जिसको अपन बोला है, तो मैंने आज के लिए बोला था कि आज अपलोड हो जाएगी, तो आज के दिन अपलोड करने की कोशिश बहुत जल्दी जारी है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं राजस्थान CHO और स्टाफ नर्स में, उनसे मैंने ढूंढ के अच्छे से क्वेश्चन निकाले हैं। और ये जो क्वेश्चन जितने भी आपको इस क्लास में देखेंगे वो 100 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे और सारे का रेशनल बताया जाएगा, और इनके अंदर जो बनने वाले ऑप्शन है उनके अंदर भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इनसे भी क्या होता है कि जैसे ऑप्शन के अंदर भी अपन क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सभी जने अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जिनको जरूरत है CHO के लिए या स्टाफ नर्स के लिए उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिजीज इरिडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो क्या है कि जो इंडिया से, ठीक है, ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल इंडिया से क्या हो चुकी है, इरिडिकेट, मतलब उसको इरिडिकेट हो चुकी है इंडिया से, मतलब उसको इंडिया से भगा दिया गया है या फिर वो इंडिया से अब बिल्कुल भी नहीं है, उसके बहुत केस अब बिल्कुल आना बंद हो चुके हैं। तो इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जैसे तो पोलियो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है क्योंकि ये डिजीज पोलियो वायरस से फैलती है, ठीक है, इसको भी इरिडिकेट कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। तो सेकंड नंबर कौन सी हो गई, सेकंड नंबर जो डिजीज है वो है स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स जो डिजीज है, ठीक है, उसको क्या हुआ कि 1977 को इंडिया से क्या कर दिया गया, इरिडिकेट कर दिया गया। इंडिया क्या हो गया, इससे फ्री हो गया, तो इसको यहां से भगा दिया गया, इरिडिकेट कर दिया गया। और स्मॉलपॉक्स कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, और उसके बाद चिकन पॉक्स, रूबेला, रेबीज, इनके बारे में अपन आगे क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कम्युनिकेबल ऐसी कौन सी डिजीज जो इरिडिकेट हो चुकी है इंडिया से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स, ठीक है, आंसर सी होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोरेज BCG वैक्सीन। तो इसके अंदर क्या है कि जो टेम्परेचर होता है BCG वैक्सीन का, ठीक है, उसको कितने टेम्परेचर पे रिक्वायर होता है कि उसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 8 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा जाए तो जैसे BCG जो वैक्सीन है, जो BCG वैक्सीन है वो क्या है, जो सनलाइट है, ठीक है, और हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। हीट सेंसिटिव का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर अगर हीट लग जाती है तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या फिर सनलाइट लग जाती है, सनलाइट सेंसिटिव भी है, अगर जो धूप होती है वो लगने से ये वैक्सीन खराब हो जाती है। तो जो BCG वैक्सीन है इसका स्टोरेज जो किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है वो कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, ठीक है। तो BCG वैक्सीन है वो किया जाता है 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या है, हीट सेंसिटिव है। अब हीट सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव है ना, तो हीट सेंसिटिव एंड लाइट सेंसिटिव, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन अपन देखते हैं। तो इसके अंदर BCG आ गई सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद मीजल्स आ गई, मीजल्स के बाद जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, ये तीनों वैक्सीन, मतलब और भी दूसरी वैक्सीन भी है जो होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें जैसे एग्जाम में पूछने के हिसाब से, तो ये इंपॉर्टेंट तीन जो वैक्सीन है इनके अंदर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये तीनों वैक्सीन कितने डिग्री पे हीट सेंसिटिव है, कितने डिग्री पे स्टोरेज की जाती है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मोस्ट हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव, तो इसका अर्थ जान लो पहले कि हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव। ठीक है, हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव क्या होता है? जो हीट रेसिस्टेंट है और जो हीट सेंसिटिव है। हीट रेसिस्टेंट ऐसी वैक्सीन जो क्या करती है कि धूप में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रखने पे उसका वो खराब नहीं होती। ठीक है, धूप में या कहीं रखने पे वो खराब नहीं होती। ठीक है, और दूसरी हो गई हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? ऐसी वैक्सीन जिसको हीट के पास रखते ही हल्की बहुत हीट लगती है वो एकदम से खराब हो जाती है। तो हीट सेंसिटिव और हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है इनके अंदर जैसे टीटी वगैरह और डीपीटी वगैरह ये क्या है? हीट रेसिस्टेंट है। मतलब जो टीटी का इंजेक्शन आपने देखा होगा उसको अपन रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ठीक है, वो खराब नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब सेकंड आ गया कि डीपीटी को अपन रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं लेकिन वो इतना खराब नहीं होता। लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो अगर टीटी इसके अंदर है और डीपीटी इसके अंदर है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है टीटी एंड पोलियो। ठीक है, तो टीटी क्या है? टीटी तो हो गया हीट रेसिस्टेंट और पोलियो हो गया हीट सेंसिटिव। लेकिन पोलियो के अंदर भी जो आईपीवी होती है, ठीक है, वो हीट रेसिस्टेंट हो सकती है, इतना उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद डीपीटी और मीजल्स। ठीक है, डीपीटी हीट रेजिस्टेंट है लेकिन मीजल्स थोड़ी कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव है वो सबसे ऊपर आती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगर हीट हल्की बहुत लगती है वो क्या होगी? हल्की बहुत लगती है वो ओपीवी खराब हो जाएगी। उसके बाद हीट रेसिस्टेंट के अंदर आती है डीटी। ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनेस की जो वैक्सीन होती है वो हीट रेसिस्टेंट में आती है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आंसर क्या आएगा इसका? डी आंसर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा ऑप्शन बी के अंदर टीटी और पोलियो। इन पोलियो के अंदर जो आईपीवी होती है, ठीक है, आईपीवी के अंदर आईपीवी इस ओपीवी से ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, अब वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोजेज ऑफ बीसीजी एट बर्थ। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन है उसका डोज कितना होता है एट बर्थ? तो इसका आंसर आप सभी एक बार अपने मन में सोचिए कुछ कि आपको क्या लगता है कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग 0.1 ml, 0.05 ml, 5 ml और 2 ml। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको कि डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ पे कितनी लगती है? 0.05 ml। वो भी किसको लगती है? नियोनेट को। ठीक है, उसके बाद आती है इसका रूट आता है इंट्राडर्मल। और कहां पे इंट्राडर्मल भी कहां पे लगती है? ये इंट्राडर्मल लगती है, ये लेफ्ट अपर आर्म पे। ठीक है, जो लेफ्ट की अपर आर्म होती है इस जगह पे ये क्या लगती है? बीसीजी वैक्सीन लगती है। ठीक है, और इंट्राडर्मी लगती है 0.05, याद रखना 0.05 ml जो इसका है डोज है एट बर्थ पे। अब जब अगर मान लो कि एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अगर किसी बच्चे को बीसीजी ना दिया जाए, ठीक है, तब क्या होता है कि बीसीजी वैक्सीन को 0 से लेके 1 साल के बीच में आप लगा सकते हो। पर कंडीशन एक है कि 0 से लेके 1 महीने का जो टाइम होता है, 28 दिन का टाइम, इसके अंदर तो आपको लगाना है 0.05 ml। ठीक है, और इसके बाद अगर आप 28 दिन या 1 मंथ से अगर लेके एक साल के बीच में लगा रहे हो, ठीक है, 1 ईयर और 1 मंथ के और 1 साल के बीच में लगा रहे हो तो आपको कितना लगाना है? 0.5, मतलब कि कुल मिला के जो डोज है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल डोज हो जाएगी। तो जो बीसीजी वैक्सीन है, ठीक है, ये जो 0.05 ml लगती है एट बर्थ पे और 1 साल मतलब 1 साल के अंदर 0.1 ml लगती है अगर 28 दिन से ज्यादा हो गया। ठीक है, और इसके जो निडल होती है इसका गोज कितना होता है? निडल का गोज होता है, मतलब जो बीसीजी वैक्सीन अपन लगाते हैं उस निडल का जो साइज होता है वो 26 गोज का होता है। ठीक है, 26 गोज का साइज होता है। और जो डेल्टॉइड मसल है वहां पे अपर आर्म की डेल्टॉइड मसल्स पे ये लगता है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। मतलब इसने पूछा है अपन को एट बर्थ पे, ठीक है, तो एट बर्थ पे इसका आंसर हो गया बी, 0.05 ml डोज अपन एट बर्थ पे बीसीजी के बच्चे को देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एमएमआर क्या है। एमएमआर एक होती है वैक्सीन, ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको इनको इन पॉइंटों को हाईलाइट करना है, ठीक है। टू 5 year old चाइल्ड, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, जो 5 साल का बच्चा है जिसको क्या करना है कि एक नर्स है वो क्या कर रही है, एमएमआर लगा रही है। द नर्स एडमिनिस्टर द वैक्सीन, तो नर्स उस जो वैक्सीन है उसको कहाँ लगाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएमआर जो वैक्सीन है, ठीक है, एमएमआर वैक्सीन। सबसे पहले इनका ऑप्शन देख लेते हैं अपन, इंट्रामस्कुलरली इन द एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इंट्रामस्कुलरली इन द डेल्टॉइड मसल्स, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियसली इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, और सबक्यूटेनियसली इन द ग्लूटियल मसल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो एमएमआर जो वैक्सीन होती है वो सबसे पहले लगाई जाती है, सबसे जो लगाई जाती है वो होती है आईएम रूप से लगाई जाती है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन होती है वो होती है लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डोज होती है, ठीक है, इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है, ठीक है। और इसकी डोज कितनी लगती है, 2 डोज लगती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें आईएम वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो सी और डी जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी कट हो गए, ठीक है, इनको तो अपन देखना ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बचा बी और ए, तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलरली इन द एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, और ऑप्शन बी है इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ज्यादातर जो प्रेफर्ड साइट होती है वो क्या होती है, थाई के पास, थाई वाली जो साइट होती है उसको इंट्रामस्कुलर के लिए प्रेफर्ड साइट मान जाते हैं, और इंट्राडर्मली के लिए डेल्टॉइड जो मसल्स होती है वाली इसको मान जाता है। तो इसके अंदर इंट्रामस्कुलर एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट एंटीरियर ऑफ थाई जो ऑप्शन ए है इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ये जो एमएमआर वैक्सीन है ये आईएम लगाई जाती है, लाइव वैक्सीन है, और इसका डोज कितना है 0.5 ml है, ठीक है। और जो अपन जो थाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर अपन जैसे डेल्टॉइड रीजन में भी इसको लगा सकते हैं अपर आर्म के, क्योंकि आप ये आईएम है, ठीक है, तो आईएम अपन मेनली परफेक्ट करते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, बट इसको अपन डेल्टॉइड मसल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं लगाना, अगर मान लो थाई के ऊपर ऐसा कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ये वैक्सीन है इसको छोड़ ही दो, ठीक है, इसको लगाना है डेल्टॉइड मसल्स पे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो एडमिट किया जाता है एंटीलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे जाता है। अब इसकी डोज जितनी होती है, जो डोज है मैंने बताया था इसकी 2 डोज होती है, किसकी, एमएमआर की, ठीक है। तो एमएमआर की 2 डोज होती है, वो कब लगती है, एक तो 12 से लेके 15 मंथ पे फर्स्ट डोज होती है वो 12 से लेके 15 मंथ पे, और जो सेकंड डोज होती है वो कब लगती है 4 से लेके 6-7, ठीक है। 2 डोज लगाते हैं, फर्स्ट हो गई 12 से 15 और दूसरी होगी 4 से 6 साल तक, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन फॉर डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टुसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन फॉर डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टुसिस, इसका मतलब हो गया डीपीटी, ठीक है, डीपीटी दे रहे हैं। चाइल्ड डेवलप स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, ठीक है, चाइल्ड क्या कर रहा है, स्वेलिंग हो रही है चाइल्ड को एंड टेंडरनेस हो रही है, ठीक है, एट द इंजेक्शन साइट, और कहां पे हो रही है, जो इंजेक्शन की साइट है वहां पे हो रही है। लो ग्रेड फीवर आ रहा है, ओके, लो ग्रेड फीवर हो गया उसको, मलाइज हो रहा है, मलाइज हो गया, द पीडियाट्रिक नर्स इन्फॉर्म द चाइल्ड पेरेंट दैट, मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा है जिसको इम्यूनाइजेशन दिया है डीपीटी का, डिप्टीरिया टेटनस और पर्ट्यूसिस का, तो उस चाइल्ड को क्या हुआ है कि स्वेलिंग हो, जो साइट है जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया है उस साइट पे क्या हो रहा है कि टेंडरनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है इंजेक्शन साइट पे, और लो ग्रेड फीवर आ रहा है बच्चे को और मेलाइज हो रहा है। तो इसके बाद द पीडियाट्रिक नर्स, अब जो पीडियाट्रिक नर्स है जिन्होंने इंजेक्शन लगाया है, जो भी पीडियाट्रिक नर्स है वो अपने जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन देगी, ये क्या उनको समझाएगी कि ये चीजें सही है या गलत है। तो इसके लिए अपन ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है द शुड डिले फ्यूचर इम्यूनाइजेशन अंटिल द चाइल्ड सीन बाय एलर्जिस्ट, ठीक है ओके। ये ऑप्शन बोल रहा है कि द शुड डिले फ्यूचर इम्यूनाइजेशन, कि डिले करना है फ्यूचर इम्यूनाइजेशन को अंटिल द चाइल्ड सीन बाय एलर्जिस्ट, अगर जब तक चाइल्ड को अपन एलर्जिस्ट से मतलब दिखा नहीं देते, मतलब वो ये सोच रहा है कि ये क्या है एलर्जी हुई है इस इससे डीपीटी वैक्सीन से। अगला ऑप्शन है द रिएक्शन इज सीवियर इनफ दैट दे शुड ब्रिंग द चाइल्ड टू एन इमरजेंसी वार्ड, तो इस ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है सीवियर है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर लो ग्रेड फीवर मेलाइज और स्वेलिंग टेंडरनेस है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीवियर तो है ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। दिस इज एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन एंड इंस्ट्रक्ट देम टू डू नथिंग, ठीक है ये ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, ठीक है। दिस इज माइल्ड रिएक्शन एंड टीचेस हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है एलर्जी बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसके अंदर क्या होता है कि माइल्ड रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हल्का बहुत बुखार आता है, ठीक है, और जो साइट है वहां पे स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया कि अगर वो एमएमआर वैक्सीन अपन दे रहे हैं डीपीटी वैक्सीन अगर किसी को दे रहे हैं तो ये माइल्ड सिम्टम आपको देखने को मिले, जो कि क्या है नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देते, नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देते तो अपन को करना क्या है, ऑप्शन सी बोला दिस एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन एंड इंस्ट्रक्ट देम टू, तो नर्स बोल रही है कि अपन को करना है कि उसको बोलना है बच्चे को पेरेंट्स को कि आपको कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल कंडीशन की रिएक्शन है आपको कुछ नहीं करना। और दूसरा ऑप्शन दिस इज अ माइल्ड रिएक्शन एंड टीचेस हाउ टू मैनेज, तो सबसे जो बेस्ट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन डी लग रहा है। रीजन बिहाइंड इट की जो ऑप्शन सी है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कुछ नहीं करना, इसका मतलब कुछ नहीं करना तो ये गलत बात है, क्योंकि आपको जो स्वेलिंग हो रही है उसको मैनेज करना है, ठीक है, उस स्वेलिंग को मैनेज करना है जो हो रखा है माइल्ड, चलो ठीक है माइल्ड रिएक्शन हो गया लेकिन उसको मैनेज करने का तो अपन को जो तरीका है उसको बताना है, ठीक है। तो जो आंसर है इसका वो आंसर क्या होगा, आंसर डी इज राइट होगा, क्योंकि ये जो जितनी भी ये जो डीपीटी वैक्सीन है, ठीक है, इनके अंदर क्या माइल्ड रिएक्शन होता है तो इसको अपन को बताता है ये माइल्ड रिएक्शन है पेरेंट्स को, और क्या करना है ये जो माइल्ड रिएक्शन इसके बारे में बताना है, और क्या करना है कि जो ये जो माइल्ड रिएक्शन हो रहे हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। अब जो ये जो डीपीटी वैक्सीन है, ठीक है, ये कब लगाई जाती है, ये लगाई जाती है 6 ईयर चाइल्ड तक, 6 ईयर तक लगाई जाती है, ठीक है। अब इसकी डोज कितनी होती है, इसकी 5 डोज होती है, मतलब 6 साल तक ये बच्चे तक लगाई जाती है, इसकी 5 डोज होती है। और 5 डोज कैसे होती है, एक होती है 2 मंथ में, 4 पे 6 पे और 15 से 18 मंथ पे, ठीक है, और उसके बाद 4 से लेके 6 साल तक, ठीक है। 5 डोज हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब 2 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे, 15 से 18 महीने और 4 से 6 साल, मतलब 6 साल तक लगाई जाती है। और 2 महीने से जिसको 2 महीने वाली 0 डोज हो गई, तो ये कितनी डोज होगी, 5 डोज इसकी लगाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। सॉरी, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइफ का लाइफ स्टाइल होती है उसको मॉडिफिकेशन करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डायरेक्ट इसका आंसर है कि प्राइमरी, प्रीमोडियल, सेकेंडरी और टर्सरी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अपनी लाइफ को मॉडिफाइड करना, ठीक है, लाइफ को मॉडिफाइड करना वो जाता है हमेशा प्राइमरी के अंदर, सॉरी प्रीमोडियल के अंदर, है प्रीमोडियल के अंदर, ठीक है। और प्राइमरी के अंदर कौन जाता है, रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है, रिस्क प्रेजेंट है लेकिन उसको प्रिवेंट करना है प्राइमरी में। सेकेंडरी में जाता है कि रिस्क जो है वो तो प्रेजेंट था, मतलब प्रिवेंट नहीं हुआ। प्राइमरी के अंदर जो रिस्क जाके क्या हो गया, डिजीज कंडीशन कॉज हो गया, और डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट भी सेकेंडरी के अंदर आते हैं, और डिजीज कॉज हो गई उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब टर्सरी के अंदर आया जो डिजीज है, ठीक है, उससे कोई इम्पेयरमेंट हो रहा है, लाइक अगर पैर के अंदर लगी है गैंग्रीन हो गया ठीक है। तो गैंग्रीन से उस पैर को बचाना है, उस इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी को रोकना क्या कहलाता है? टर्सरी कहलाता है। तो प्री मॉडल के अंदर क्या आ गया? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब कि रिस्क प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, रिस्क प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपन लाइफ के बारे में बताना कि आप अच्छा खाइए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं, प्रीमोडियल बोलते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज अ प्रिवेंशन ऑफ। क्या पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है, ठीक है, कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं और डिटेक्ट कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर को, तो यह जो प्रिवेंशन है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो प्रिवेंशन किया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर पहले मतलब कि ना हो, उससे पहले अपन डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो किस प्रिवेंशन के अंदर शामिल होगा? तो जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कि स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस जो टेस्ट होते हैं वो मेनली किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? होता है सेकेंडरी के अंदर। जो स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक होते हैं वो किसमें होते हैं? सेकेंडरी के अंदर होता है। और जैसा मैंने बताया कि जो ये पैप स्मीयर का जो टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, डायग्नोसिस नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है कि अगर कोई सर्वाइकल कैंसर होता है तो उससे पहले डिटेक्ट करना कि सर्वाइकल कैंसर हुआ या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जाएगा इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। अब जब मैं बता दूं आपको कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस पैप स्मीयर से अपन किसको डिटेक्ट करते हैं? एचपीवी को डिटेक्ट करते हैं। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, इसके अंदर भी जो मोस्टली जो स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है HPV 16 और सेकंड नंबर पे आता है HPV 18। ये दोनों जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन जो सर्वाइकल कैंसर जो कॉज करते हैं ये स्ट्रेन होते हैं HPV 16, HPV 18। और मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी ट्राइड एपिडेमियोलॉजी ट्राइड मींस इंटरेक्शन ऑफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी ट्राइड होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल, तो मेनली देखते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है उसके अंदर क्या है? जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है इसके अंदर क्या होता है कि पहले सबसे बात आती है एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी होती है किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है, किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी करना, डिटरमाइन करना कि ये कितनी अकरेंस कर सकती है उस, मतलब कुल मिला के किसी डिजीज पे स्टडी करना क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी कहलाती है, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। अब जो एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिखाया गया है, मैंने यही पूछा है कि 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एपिडेमियोलॉजी के अंदर आते हैं। इसके अंदर आ गया, पहला तो हो गया एजेंट, फिर आ गया होस्ट और एनवायरमेंट। मतलब ऐसी जैसे डिजीज होती है वो डिजीज किन किन 3 कंपोनेंट से मेनली गुजरती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं एजेंट। एजेंट मतलब वो डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, मान लो, ठीक है। होस्ट, होस्ट मतलब पर्सन, जहाँ पे वो जो डिजीज है वो सर्वाइव करेगी। और इन्वायरमेंट, कौन सी इन्वायरमेंट मतलब कौन सा वातावरण उसको मिल रहा है, ठीक है, वातावरण क्या होता है सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है इस चीज को। तो इसके अंदर मैंने बताया एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर 3 चीज आती है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। और एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है एपिडेमियोलॉजी से, और वो ये है कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो ये चीज ध्यान रखें, फादर ऑफ जॉन स्नो है जो एपिडेमियोलॉजी ट्राइड है, ये एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट होते हैं। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी जितने भी अपन आज ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, मुझे पता है कि भाई आपको ये बहुत सारे इजी भी लगेंगे, लेकिन सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 40 50 जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें 1% गलती ना हो, तो अपने मतलब जो रैंक है वो ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे नहीं आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेनली जैसे मैंने पुराने पेपर, ठीक है, पुराने पेपर जितने भी हैं उनको देखा है, और उसके बाद जैसे राजस्थान सीएचओ के या एमपी सीएचओ के या यूपी सीएचओ के जितने भी पेपर होते हैं, हरियाणा सीएचओ के, उनसे मिला के, सबसे मिला के इनमें से जो बेस्ट जो क्वेश्चन है वो निकाले हैं। तो इस क्लास को आप पूरी देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है, सबसे पहले बात आती है कम्युनिकेशन। जब तक मैं ये कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा हूं, तब तक आप अपने जो माइंड के अंदर, ठीक है, जब तक आप अपने माइंड के अंदर जो ये चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये आप ये सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर उसके बाद मैं आपको ये आंसर बता ही दूंगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि इंटरेक्शन करना किसी अदर पर्सन से, ठीक है, इंटरेक्शन करना किसी पर्सन से, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो साधन होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में काम आने वाले जो साधन होते हैं, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो साधन होते हैं वो कम्युनिकेशन करने की जो प्रोसेस होती है। जैसे मैं अभी आपसे सामने लाइव बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा कैमरा, ठीक है। उसके बाद कैमरा तो है, लेकिन उसके बाद क्या है, कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर कौन है, मैं हूं। अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे तो आप किससे बात करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होगी, जैसे वीडियो कॉल पे अपन बात करते हैं, जैसे मैं मान लो आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेटर कौन है, मैं हूँ, ठीक है, कम्युनिकेटर मैं हो गया, ठीक है। और मैसेज क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैसेज दे रहा हूँ, भाई अच्छे नंबर लाना, जो भी मैसेज है वो मैसेज हो गया, ठीक है। रिसीवर आप जो देख रहे हो, ठीक है, बिना कम्युनिकेटर और रिसीवर के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। उसके बाद मैसेज क्या है, अब चुपचाप गुमसुम बैठ रहे हो तो कोई मैसेज कम्युनिकेशन होगा नहीं, तो मैसेज देने के लिए उसको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, मैसेज हो गया। उसके बाद रिसीवर, अब रिसीवर ने क्या सीखा उस चीज से, जैसे मैंने बोला कि रिसीवर, जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं हो गया कम्युनिकेटर, ठीक है। दूसरा नंबर, मैंने मैसेज भेजा है आपको कि खाना खा लिया, ठीक है, भाई आपने खाना खा लिया, तो ये क्या होगा, ये हो गया मैसेज, ये क्या हो गया, मैसेज हो गया मेरा, जो किसके अंदर है, एनकोडिंग फॉर्म में। एनकोडिंग बोले तो मतलब अभी ये मैसेज को एनकोडिंग हुआ है, मतलब मैंने ये टाइप करके आपको भेज दिया है, मैंने बोल के भेज दिया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है चैनल। चैनल का अर्थ क्या होता है, अपन किस माध्यम से बात कर रहे हैं। माध्यम लाइक जैसे मैंने मान लो फोन का कैमरा यूज में लिया है, या फिर नेट यूज में लिया है, या वीडियो कॉल पे चल रही है बातें, ठीक है, चैनल। उसके बाद आता है रिसीवर। अब रिसीवर के पास जैसे जाएगा तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को, एनकोड था जो मैसेज, उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोडिंग करेगा उस मैसेज की। डिकोडिंग मतलब जो मैसेज मैंने भेजा है उसको समझेगा, ठीक है, वो समझेगा ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसको डिकोड करेगा। जब उसे पता लगेगा कि मैंने पूछा है उससे खाना खाया है, तो जब रिसीवर ये बात सुन के जब वापस क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा कि हाँ मैंने खा लिया। तो ये क्या होगी, ये बेस्ट और परफेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। तो इसके अंदर कम्युनिकेटर जरूरी है, रिसीवर जरूरी है, फीडबैक जरूरी है, चैनल जरूरी है, और मैसेज जरूरी है। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन ए है, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। याद रखना ये क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हो, मुझे जहां तक पता है कि आपको खुद को लग गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांस ज्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू व्हिच एमटीपी कैन बी डन इन इंडिया एज पर एमटीपी 1947। कह रहा है कि जो अपर एज लिमिट होती है प्रेगनेंसी की, जिसके अंदर अपन एमटीपी करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कैन बी डन इन इंडिया, ठीक है, एज पर एमटीपी एक्ट 1971। जो एमटीपी का जो एक्ट हुआ था, जो संसद से लागू होता 1971 में हुआ, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, 1971 में हुआ था। अब उस समय क्या हुआ था, इसके अंदर आप आंसर अपने मन में सोचिए क्या हो सकता है। उस समय क्या हुआ था कि एमटीपी एक्ट के एक नियम बनाया गया, रूल बनाया गया, जिसके अंदर कोई भी प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको 20 वीक तक प्रेगनेंसी है तो उसका क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, याद रखना कि उसका क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है 20 वीक के प्रेगनेंट। बट अभी अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन जो कि अभी क्या हुआ है, एमेंडेड हुआ है एक रूल, एमेंडेड हुआ है रूल एक, और वो कब हुआ था 2020 के अंदर। ठीक है, 2020 के अंदर हुआ। अब इस 2020 के अंदर क्या नियम लागू किया गया कि जो प्रेगनेंसी जो पहले 91 के अंदर जो रूल बना था कि उसके अंदर जो 20 वीक की जो एमटीपी एक्ट था उसके अंदर जब किया गया कि ये जो 20 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसको चेंज करके यहाँ पे कितना कर दिया गया 24 वीक। मतलब जो पहले 20 वीक था अब क्या कर दिया गया 24 वीक तक। अगर कोई भी प्रेगनेंसी होगी उसको क्या कर सकते हैं अपन, टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर दे। ये नया नियम जो संसद में लाया, ये कब आया गया 2020 के अंदर आया गया, 24 वीक का हो गया। ठीक है, पहले 20 था अब 24 हो गया। तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन मान लो अगर 1941 का पूछे, ठीक है, तो आपको आंसर देना है 20 वीक, आपको आंसर देना है 20 वीक। अगर इसके अंदर ये बोल दे कि अमेंडेड इन 2020 या न्यू गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, तो आपको आंसर देना है कितना 24 वीक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर पुराना पूछा है डाटा तो 20 वीक और अगर नया डाटा पूछा है तो आपको क्या करना है 24 वीक देना है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरफैक्टिंग अदर विदाउट प्रेजेंटिंग एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। ऑप्शन है एजेंट, ऑप्शन बी है कैरियर, ऑप्शन सी है होस्ट, ऑप्शन डी है ससेप्टिबल। क्वेश्चन कहना चाहता है, आपने माइंड से कुछ सोचे, क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कैपेबल है इन्फेक्टिंग करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन करने के लिए कैपेबल है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं इन्फेक्शन कर सकता हूं किसी को, बट मेरे अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं। ठीक है, मतलब मैं इन्फेक्टेड हूं, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। अरे तुझे जब बोला है कि आज क्लास बनाऊंगा तो फोन करना जरूरी है, रख फोन। ऐसा पर्सन जो क्या है कि इन्फेक्टेड है और उसके साइन और सिम्टम क्या है, उसके प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें साइन और सिम्टम जो आ रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो उस पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, ये टर्मिनोलॉजी है एक तरीके से, ठीक है, तो उस पर्सन को अपन बोलेंगे इन ऑप्शन में से बोलेंगे कैरियर। कैरियर वो पर्सन होता है जो इन्फेक्शन को लेके घूमता है लेकिन वो साइन एंड सिम्टम कॉज नहीं करता, ठीक है, और अदर को आराम से इन्फेक्शन फैला सकता है, तो उसको क्या बोलता है कैरियर। जैसे मैंने बताया एजेंट के बारे में, एजेंट हो गया लाइक ए बैक्टीरिया, होस्ट हो गया ए पर्सन कोई भी जहाँ पे एजेंट सर्वाइव करता है, ठीक है, और ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का अर्थ क्या हो गया कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो उस इन्फेक्शन के प्रति कितना रेजिस्टेंस या मतलब उसकी इम्यूनिटी कितनी है या वो कितना रेजिस्टेंस दिखा पाता है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि वो कितना जल्दी उस डिजीज को ले पाता है, ठीक है, कितना जल्दी अटैक कर पाती है डिजीज, उसको बोलते हैं ससेप्टिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये बोल रहा है कि अपने इंडिया के अंदर जो नियोनेट होते हैं, जो नियोनेट होते हैं, उनकी डेथ का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होता है। ठीक है, अब कॉमनेस्ट कॉज कौन सा होता है नियोनेटल डेथ का, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर कॉमनेस्ट जो नियोनेटल होते हैं उनके अंदर कॉमनेस्ट कॉज होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रीमेच्योरिटी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मेटाबॉलिक डिजीज और बर्थ। जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर सीलिएक डिजीज वगैरह ये सारी चीजें आती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रहा बच्चे के अंदर अच्छे से तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बच्चे की जान चली जाती है, ठीक है, आंसर ये गलत है। बर्थ इंजरी बहुत बार देखते हैं कि बर्थ इंजरी होती है बच्चों के अंदर, लेकिन उससे ये नहीं होता कि मेनली इनके अंदर बच्चे की जान जाती है, ठीक है। और बर्थ इंजरी ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में होता है, हर बच्चे के अंदर छोड़ के होता है, जैसे बहुत बच्चे 100 में से एक दो बच्चे या 100 में से 0.5% रेस हो जाता है। उसके बाद कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, ठीक है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन भी इतना नहीं होता क्योंकि वही मदर के अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन मिलेगा बच्चे के अंदर जो किसी चीज का अब्यूज करती है, लाइक एल्कोहल वगैरह, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये मदर के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि इंडिया में ये चीजें नहीं चलती। उसके बाद ऑप्शन आता है प्री मेच्योरिटी, ठीक है, अगर 37 वीक से, ठीक है, 37 वीक या 37 वीक से वीक पे अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्री मेच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों के अंदर ज्यादा डेथ के कारण होते हैं मरने के, क्योंकि इसका रीजन ये है कि प्री मेच्योरिटी क्यों होती है इंडिया में, प्री मेच्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ज्यादातर पुअर्टी है, ठीक है, पुअर्टी है, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, इलिटरेसी, मतलब इंडिया के अंदर पुअर जो फैमिली होती है उनके अंदर क्या होता है कि इतना ध्यान नहीं देते वो बच्चे पे, ठीक है, उसके ऊपर। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, जो मदर होती है, ठीक है, उसके अंदर नॉलेज भी नहीं होता इतना कि जो वो, मतलब जैसा कि एक होती है कि भाई एक सिटी वाली या फिर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो मदर होती है, ठीक है, उसको लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, और उसको जो अच्छा खान पान, न्यूट्रिशनल जो है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, अच्छा खान पान है वो भी नहीं मिल पाता। तो उसकी इन सारी, जैसे मैंने अभी बताई, सारी वजह लैक ऑफ नॉलेज, इलिटरेसी, ठीक है, पुअर जो फैमिली होती है, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन होता है उनके अंदर। तो ये मेनली कहाँ देख, मतलब ये सारी चीजें कारण बताए मैंने, ये किसके बताए कि प्रीमेच्योरिटी होने के सबसे ज्यादा कारण है कि बच्चा इस वजह से प्रीमेच्योर, क्योंकि मदर को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चा ही प्रीमेच्योर पैदा होगा। तो इसका रीजन ये है कि मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज होता है वो क्या होता है, प्रीमेच्योरिटी होता है। इसका आंसर क्या है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था मदर द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो किसी ने अभी मेरे इसको एक मैसेज किया था किसी स्टूडेंट ने कि रेट एंड रेशियो, ठीक है, इसके अंदर जो मदर का, जो मदर को एक्सप्रेस किया था वो किस टर्म में एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो मदर को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो 1 लाख लाइव बर्थ पे ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ पे ही किया जाता है। इसके अंदर जैसे आप फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो मैटरनल डेथ, मतलब उस ईयर के अंदर मैटरनल डेथ कितनी हुई है, ठीक है, उसके बाद कितने बच्चे ने 1 लाख, मतलब कितने बच्चों ने लाइव बर्थ हुए, लाइव बर्थ बच्चों के, और कितने पे 1 लाख पे एक्सप्रेस किया जाता है, ये होगा मैटरनल मोर्टेलिटी, एमएमआर का फॉर्मूला। तो 1 लाख पे लाइव बर्थ पे क्या होगा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो निकाली जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया। याद रखना, जैसे कि क्या बोल रहा है कि मैटरनल मोर्बिडिटी जो रेट होती है, मैटरनल मोर्बिडिटी होती है, उसके अंदर इंडिया के अंदर कॉमनेस्ट कॉज क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन है एनीमिया, हेमरेज, अबॉर्शन और सेक्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया का, तो मैटरनल मोर्बिडिटी होती है इंडिया के अंदर, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कि मोर्बिडिटी क्या होती है, पहले तो बात ये, ठीक है, मैटरनल मोर्बिडिटी। मैटरनल मोर्बिडिटी क्या होती है, मैटरनल मोर्बिडिटी होती है कि जो मदर है, ठीक है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है क्या होता है जिसके अंदर मदर क्या होती है, मोर्बिड हो जाती है, मतलब उसको बीमारी से वो ग्रसित हो जाती है, मतलब उसको डिजीज कंडीशन अफेक्ट करती है। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो इंडिया के अंदर अपने, ठीक है, वो होता है, जैसे इसके अंदर ऑप्शन है एनीमिया, हेमरेज, अबॉर्शन, सेप्सिस, ठीक है। तो एनीमिया इसके अंदर मोस्ट कॉमन, क्योंकि मेनली देखा जाता है जो मदर होती है, ठीक है, मदर को क्या होता है, मेनली एनीमिया डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया डिक्रीज होता है और इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर्बिडिटी कॉज होगी। तो मोस्ट कॉमन जो मोर्बिडिटी होती है इंडिया के अंदर, वो मैटरनल मोर्बिडिटी कौन सी होती है, एनीमिया डेफिशिएंसी होती है, जो एनीमिया की वजह से होती है। उसके बाद अगले ऑप्शन अबॉर्शन सेप्सिस, ये थोड़ा नीचे वाले ऑप्शन, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर माना जाए तो एनीमिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आशा वर्कर परफॉर्मेंस इज मॉनिटर थ्रू। आशा वर्कर होती है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो किसके द्वारा, मतलब किस चीज के द्वारा अपन मान सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज अटेंडेंट। जैसे देखा जाए कि नंबर ऑफ डिलीवरी अटेंडेंट, ठीक है, अपन मान सकते हैं ये राइट आंसर हो सकता है, बट नंबर ऑफ विजिट, ठीक है, ये भी हो, क्योंकि जब डिलीवरी अटेंड करेगी तो विजिट भी अटेंड करेगी, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ आईएमआर और नंबर ऑफ ट्रेन, ठीक है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ आईएमआर, ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि किसी चीज का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसके अंदर किसी भी रेट या रेशियो के अंदर अगर कोई रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो खतरनाक रेट होता है, रेशियो होती है जो कंट्री के लिए नुकसानदायक होती है, उसके अंदर अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस रेट निकाली जाती है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ डिलीवरी अटेंडेंट, नंबर ऑफ विजिट, देखो होता क्या है, एक चीज सुनना कि अगर कोई आशा है, अगर वो नंबर ऑफ डिलीवरी अटेंड करेगी या नंबर ऑफ विजिट लेगी किसी की, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जाके आना, किसी घर पे जाके आना, अटेंड करना, तो ये उसका परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, उसका काम है, ये जाना पड़ेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखना है तो वो जाके वहाँ पे जब आती है, जैसे मान लो फर्स्ट विजिट पे गई और उसने मदर को एजुकेशन दी, इसके बारे में जो डिलीवरी चल रही है उसके बारे में एजुकेशन दी कि आपको ये खाना है, ये पीना है, ठीक है, सारी उसने एजुकेशन दे दी। अब उस एजुकेशन का फायदा क्या होगा, एजुकेशन का फायदा किसको होगा, एक तो होगा मदर को और एक होगा बच्चे को, जो न्यूनेट है, चाइल्ड को, ठीक है। अगर मान लो वो एजुकेशन नहीं देती तो कुछ भी खा लेती मदर, और उससे क्या होता है, जो मदर या चाइल्ड इन दोनों को क्या होता है, अफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कोई अल्कोहल पीने वाली मदर है, ठीक है, उसको मना करेंगे तो फायदा किसको होगा, बच्चे को और मदर को, दोनों होगा। अगर वो अल्कोहल नहीं पी रही है और वो अगर जो नर्स, वो आशा है, ठीक है, वो अटेंड नहीं कर रही डिलीवरी या विजिट पे नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं दे रही, तो क्या होगा, बच्चे की मृत्यु जल्दी होने के चांस रहता है। तो जो बच्चे की मृत्यु है, एजुकेशन देके उस चीज को कम करना, ठीक है, उस चीज को डिक्रीज करना क्या कहलाता है, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी। जो इन्फेंट है उसकी मोर्टिलिटी, मतलब उसको, जैसे इन्फेंट हुआ, ठीक है, अब उसको, इन्फेंट को क्या करना है कि भाई कैसे रखना है, किस तरीके से भाई कोई डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन अफेक्ट ना कर दे, कैसे रखना है इसको, क्या करना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा, आशा बताएगा। और इसी बात के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसी बात के लिए आशा को क्या करता है, इसको आशा का परफॉर्मेंस देखा जाता है, किस चीज के लिए, रिडक्शन ऑफ आईएमआर अगर देखते हैं उस जगह की और उस कंडीशन में पाया जाता है कि जो आशा है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उसका परफॉर्मेंस वहां से देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है, या इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे एक दूसरा जो अपना बीएमआई होता है उसका आंसर मांगा था कमेंट में, जो कि बच्चों ने अच्छा है, जो ये फॉरेनहाइट और इसका जो सेंटीग्रेड का है, इसका आप आंसर उसके अंदर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि जो सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट है, ठीक है, सेंटीग्रेड मतलब सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट करने का इसके अंदर फॉर्मूला इसके अंदर है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर, जो कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना। अब मैं बता दूं कि फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैं बता दूं, उसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो सेंटीग्रेड से फॉर्मूला है कि सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में फॉरेनहाइट बराबर F-32 इंटू 5/9, मतलब जो फॉरेनहाइट दिया हुआ है आपको, ठीक है, अब उसको क्या करना है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो F-32 इंटू 5/9, ये किसका है, फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज, मतलब सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि अब इसको चेंज करना है, उसको क्या करना है, सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको चेंज करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि मैंने जो एक सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट चेंज करने, फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने का बता दिया, तो आप इतना तो इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। Which is the first step when caring for bleeding wound? आप किसी wound की care कर रहे हैं, किसी भी bleeding wound की, sorry, ठीक है, bleeding, इससे blood निकल रहा है, ठीक है, blood निकल रहा है, इसकी caring कर रहे हैं, किसी bleeding wound की caring कर रहे हैं, तो आपका एक nurse होने के नाते आपका क्या काम रहेगा? ठीक है, nurse होने के नाते आपका काम क्या रहेगा वो देखिए। ऑप्शन है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर with a clean and sterile dressing, apply pressure at the pressure point, option C है add bulky dressing, okay, add bulky dressing soaked with normal saline apply, और option D है elevated the wound site। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, which is the first step, तो नर्स होने के नाते आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग वुंड पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तो मेन सबसे पहले कारण होता है उसका कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को अपन को स्टॉप करना, स्टॉप ब्लीडिंग, उसके बाद बाकी के इंटरवेंशन अपन को बाद में देख। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर दिखाया गया है कि ब्लीडिंग स्टॉप प्रॉपर हो सकती है, और जिससे वो भी किस तरीके से, स्टाइल तरीके से, स्टाइल, या फिर ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ गंदे हो या आपके अंदर इन्फेक्शन लगा हुआ हो और आप वहां पे जाके उस वुंड पे प्रेशर डाल रहे हो। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी है एलिवेट द वुंड, तो इसका कोई नहीं है क्योंकि एलिवेशन करना, कोई परफ्यूजन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोई कारण नहीं है। एड बल्की ड्रेसिंग सॉक्ड विद नॉर्मल सलाइन अप्लाई, जैसे एलिवेशन ऑफ वुंड, अगर जो ब्लड है, ठीक है, वो ज्यादा हो रहा है, निकल रहा है बाहर, तो अपन बाद में प्रेशर करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, एलिवेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी मेनली जो मोस्ट कॉमन पूछा है वो एलिवेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐड बल्की ड्रेसिंग सॉक्ड विद नॉर्मल सलाइन, ठीक है, तो अपन क्या करना है, ये जो नॉर्मल सलाइन से अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बल्की ड्रेसिंग है ये काम में नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेंगे अपन स्टाइल ड्रेसिंग, या बल्क पूरा काम में नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कि भाई आप गोल बना के उसको दबा दो, प्रेशर लगा दो जिससे क्या है वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बल्की ड्रेसिंग नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद है कि अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट, ये प्रेशर पॉइंट क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो वहां पे प्रेशर कर देना, ये कोई क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट क्या चीज होती है। ठीक, और ऑप्शन है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, विद अ क्लीन एंड स्टाइल ड्रेसिंग, ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक तो डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं, कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट प्रेशर, और कहाँ पे दे रहे हैं, वुंड के ऊपर दे रहे हैं, और क्लीन, एकदम क्लीन, और स्टाइल ड्रेसिंग, ठीक है, स्टाइल ड्रेसिंग का ध्यान रखना है और डायरेक्ट प्रेशर का ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है कि जो ब्लीडिंग वुंड है उसके अंदर अपन को क्या करना है कि जो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टाइल ड्रेसिंग, उस पर मतलब स्टाइल ड्रेसिंग लेके उस पर डायरेक्ट प्रेशर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following position is indicated during insertion of NG tube? ठीक है, इनमें से कौन सी पोजीशन है जो अपन NG tube डालते टाइम काम में लेंगे, NG tube, ठीक है, NG tube डालते टाइम कौन सी पोजीशन अपन काम में लेंगे इंसर्जन के टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी है हाई फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी है सिम्स पोजीशन, और ऑप्शन डी है टनलेनबर्ग पोजीशन। तो इसके अंदर मैं बता दूं कि सेमी फाउलर में क्या होता है कि अपन ये पोजीशन क्यों देते हैं, पहली बात कि प्रिवेंट करना है किसको, एस्पायरेशन को। इस जो नेजुगेस्ट्रिक है जब इंसर्जन कर रहे हैं तो क्या होगा, कफिंग रिफ्लेक्स होते हैं, जो रिफ्लेक्स होते हैं कफिंग रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स, वो स्टिमुलेट होंगे, और स्टिमुलेट होने से क्या होगा कि जो भी जो सलाइवा वगैरह है, ठीक है, वो क्या होगा, एस्पायरेट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, एस्पायरेट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपन पोजीशन देते हैं पेशेंट को, वो देते हैं ना सेमीफॉलर देते हैं ना सिम्स देते हैं ना टनल, इसमें ऑप्शन का अंदर है हाई फॉल। जो हाई फॉलर पोजीशन है वो पेशेंट को दी जाती है क्योंकि सेमीफॉलर में चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेमीफॉलर जो पोजीशन है इसके अंदर चांस क्या होता है, ज्यादा होते हैं, इस पेशेंट को इसको नहीं दिया जाता। सिम्स के अंदर ये सिम्स जब नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब अगर एस्पायरेशन होने की कंडीशन अगर है, ठीक है, तब अपन सिम्स दे सकते हैं क्योंकि जो फ्लूइड है वो बाहर निकालने के लिए। तो टनल में अगर पोजीशन इसको कुछ मतलब नहीं है इसका टनल में का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ सॉरी इसका आंसर क्या होगा कि हाई फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, एनजी ट्यूब इंसर्शन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इनमें से, और ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्या है कि सिट्रिक फ्रूट के अंदर, सिट्रिक जो पदार्थ तो सिट्रिक फ्रूट होता है उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है, एबुडेंट मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड ज्यादा पाया जाता है और विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंवला, एप्पल, गुआवा और ऑरेंज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इनमें सब में जैसे एप्पल में थोड़ा बहुत कम, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है, गुआवा में ना, उसके बाद आंवला। इन दो ऑप्शन के अंदर आप कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मेनली जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में थोड़ा कम पाया जाता है आंवला। तो मैं इसका आंसर क्या होगा, आंवला। आंवला के अंदर जो रिचेस्ट सोर्स है वो विटामिन सी का ये पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अब मैं ये जो न्यूनेटल टिटनेस है इसको समझा देता हूँ आपको एक बार। नियोनेटल टिटनेस ये क्या होता है कि बच्चे को टिटनेस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और ये कब होती है, मेनली ये होती है कब, जब बच्चा डिलीवरी के टाइम डिलीवर होता है उस टाइम, ये मेनली डिलीवरी के टाइम, ठीक है, डिलीवर होता है उस टाइम ये मेनली कॉज होता है कौन सा, नियोनेटल टिटनेस। तो इसमें क्या होता है कि जो नियोनेटल टिटनेस है उसका रीजन क्या है, इसके कॉज क्या है कि अपन अनक्लीन हैंड, जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो अपन अनक्लीन हैंड से उसको डिलीवरी करवा रहा है। दूसरा फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स जितने भी होती है जो फोर्सेप्स, ठीक है, उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टेराइल टेक्निक यूज में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये मेनली कारण होते हैं कि जो न्यूनेटल जो है उसके अंदर टिटनेस होने के कारण होता है। तो ये क्या होता है, जब मान लो जब डिलीवरी हो रही है तो आपने ये चीजें कर दी, ठीक है, फोर्सेप्स यूज में ले लिया, अनस्टाइल टेक्निक काम में ले ली, अनक्लीन हैंड काम में ले लिए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट मतलब जो न्यूनेटल है उसके अंदर टिटनेस होने के कारण ज्यादा है। अब जो फर्स्ट साइन है, जो बच्चे के अंदर, जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, डिलीवर हुआ, अब उसके अंदर फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट साइन जो बच्चे के अंदर देखने को, जैसे नॉर्मली लॉक जो, ठीक है, ये लेट साइन है सारे, ड्रॉ लिप्स ये भी लेट है, राइट आईब्रो, मतलब ये साइन सारे हैं, लेकिन जो मेनली जो सबसे पहले देखा जाता है साइन उस बच्चे के अंदर, और वो कौन सा होता है कि बच्चा क्या करता है, जब उसको दूध पिलाया जाता है, ठीक है, उसको सकिंग ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है कि वो सक नहीं कर पाता, ठीक है। जो सकिंग कैपेसिटी होती है, रिफ्लेक्स होता है, जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर एब्सेंट हो जाता है, या फिर उसके अंदर एब्सेंट या फिर उसके अंदर वीक हो जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो सक अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये फर्स्ट साइन है किसका, न्यूनेटल टिटनेस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मच टाइम, अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज secreted in the stool of the patient after illness. अगर किसी पेशेंट को पोलियो वायरस ने अफेक्ट किया है, ठीक है, पोलियो वायरस ने अफेक्ट किया है और उसके बाद अगर किसी पेशेंट को पोलियो वायरस अफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसके इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसके कितने दिन बाद वो क्या है, जिसको जो स्टूल होगा उससे वो फैल सकता है पोलियो वायरस, ठीक है, या फिर स्टूल के अंदर वो दिखाई देगा पोलियो वायरस, जो कि डिटेक्ट करने के लिए अच्छा होगा। जो लैब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर अपन स्टूल को ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि स्टूल के अंदर पोलियो वायरस की प्रेजेंस मिलती है, ठीक है, क्या होती है, प्रेजेंस मिलती है। अब वो जो प्रेजेंस है वो पोलियो वायरस इन्फेक्ट होने के बाद, किसी पर्सन के इन्फेक्टेड होने के बाद वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो स्टूल के अंदर आपको प्रेजेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन दे रखा है 2 से लेके 5 दिन, ऑप्शन बी है 6 से लेके 8 दिन, ऑप्शन सी है 2 से लेके 5 वीक और ऑप्शन डी है 6 से लेके 8 वीक। तो इसका जो आंसर है, वैसे मेनली क्या होता है कि जो पोलियो वायरस क्या होता है कि अप टू 6 वीक 6 वीक तक देखा जा सकता है स्टूल के अंदर, या फिर स्टूल के अंदर जब एग्जामिनेशन कराते हैं अपन तो 6 वीक, ठीक है, 6 सप्ताह तक अपन उसको देख सकते हैं। तो इसने पूछा है लेकिन अपन को कब, मतलब जो इन्फेक्टेड हुआ है उससे पहले, सबसे पहले कब तक दिखने को वो दिख जाएगा, ठीक है, तो स्टूल के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएगा 6 से लेके 8 दिन पे। किसी पर्सन को अगर इन्फेक्ट हुआ है पोलियो वायरस तो 6 से लेके 8 दिन के अंदर क्या होगा, वो स्टूल के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कब तक डिटेक्ट रहेगा, वो रहेगा अप टू 6 वीक, ठीक है, अप टू 6 वीक तक वो रहता है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, विच डिजीज इज आल्सो नोन एज इंडियन लेशमिनियासिस, ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको इंडियन लेशमिनियासिस बोला है, ठीक है, तो जो इंडियन लेशमिनियासिस है, तो लेशमिनियासिस क्या होगा, लेशमिनियासिस जो इंडियन लेशमिनियासिस है, ठीक है, वो किससे होता है, मेनली जैसे मान लो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, कालाजार, तो जो लेशमिनियासिस है इंडियन, उसके अंदर क्या होता है कि जो चेहरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे-छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे-छोटे फुंसियां हो जाती है और जो स्किन है वो हल्की बहुत ब्लैक होने लग जाती है, ठीक है, स्किन है वो क्या होती है, ब्लैक होने लग जाती है, ठीक है, स्किन को धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन के अंदर क्या हो जाता है, छोटे-छोटे फुंसियों के जैसे दाने निकल जाते हैं और स्किन है वो क्या होती है, ब्लैक होने स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। और इसका ठीक है, अब ये जो इंडियन लेशमिनियासिस है जो अपने इंडिया के अंदर, ये क्या है, ये इंडियन इंडोजिनस है। इंडोजिनस मतलब कि ये इंडिया की ही बीमारी है, कहीं बाहर से नहीं आई, तो इंडिया की बीमारी है। तो इसके अंदर इंडियन लेशमिनियासिस के अंदर जापानीज एन्सेफेलाइटिस, कालाजार, पर्टुस और डिप्थीरिया, ठीक है, तो इनके अंदर इंडियन लेशमिनियासिस जो बीमारी बोली गई है वो बोलता है, किसको बोली गई है, कालाजार, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक सिकनेस भी बोलते हैं, ब्लैक सिकनेस भी इसको बोला जाता है। अब जो कालाजार है, ठीक है, ये किसको अफेक्ट करती है, लीवर और स्प्लीन को, लीवर स्प्लीन को अफेक्ट करती है। और ये डिजीज कौन सी होती है, ये डिजीज होती है जो कालाजार डिजीज, ये कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोअल डिजीज होती है। अब प्रोटोजोअल के अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, लेशमिनियासिस, लेशमिनियासिस डोनोवानी, लेशमिनियासिस डोनोवानी, ये क्या हो गया, डोनोवानी, ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट, लेशमिनियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, अपने इंडिया के अंदर कालाजार का लेशमिनियासिस डोनोवानी, और इसको क्या बोला गया है, इंडिजिनस है, ये किसको अफेक्ट करती है, लीवर और स्प्लीन को अफेक्ट करती है। इसके अंदर होता क्या है, डिजीज के अंदर जो अपनी स्किन है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और ये स्किन है जो अपने क्या होती है, ब्लैक कलर की दिखाई देने लग जाती है, और इसको ब्लैक, दूसरा नाम इसका क्या है, ब्लैक सिकनेस भी इसको बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। इनमें से सारे जो दिख रहे हैं ऑप्शन के अंदर वो सारे के सारे क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मतलब उनको बदला जा सकता है, लेकिन एक को छोड़ के। ठीक है, एक को मतलब जो एक्सेप्ट दिया है, इन पे इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये साला बहुत खराब चीज है। ठीक है, जो एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के, तो इनमें से कौन सी चीजें जिनको बदला नहीं जा सकता। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये नहीं आंसर। ठीक है, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको भी अपन अवॉइड कर सकते हैं, इसको भी अपन रोक सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजें थोड़ा रुकाव करें तो अपन ठीक हो सकते हैं। स्मोकिंग, ठीक है, इसको भी रोक सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद आता है अगला ऑप्शन जेनेटिक फैक्टर। अब जो जेनेटिक फैक्टर है ये क्या होता है, हेरिडेटरी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको अपन ना तो बदल सकते हैं, जो मतलब जन्मजात होता है, जन्मजात जो अपने माता पिता से अपन को मिलता है, ठीक है, उसको अपन बदल नहीं सकते। तो इसका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ सारे मॉडिफाइबल रिस्क है जिनको अपन बदल सकते हैं, ब्लड प्रेशर, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, इनको अपन छोड़ सकते हैं या ब्लड मतलब बंद कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये मॉडिफाइबल नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल के अंदर आता है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है What is the recommended age of for HPV vaccine administration? ठीक है, What is the recommended age for HPV vaccination administration? मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एज है जिसके अंदर एचपीवी वैक्सीन रिकमेंडेड की जाती है लगाने के लिए। एचपीवी का मैं बता दूं आपको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो एचपीवी मैंने जो डिजीज बताई थी, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सर्वाइकल कैंसर करने का एक होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर ये करता है। तो इसको रोकने के लिए जो एचपीवी वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी एज में सबसे बेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेड रहती है लगाने के लिए। तो मैं बता दूं कि जैसे एचपीवी वैक्सीन के बारे में कुछ पॉइंट अपन देखते हैं कि एचपीवी वैक्सीन होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, अपर आर्म पे। एचपीवी कौन सी वैक्सीन होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, अपर आर्म पे लगाई जाती है। इसका रूट होता है, IM रूट होता है। इसका रूट कौन सा होता है, IM रूट होता है। और इसकी डोज उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो जिस एज के अंदर है उस एज के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अगर कोई एज 9 से 14 साल का है, 9 या 10 से लेकर 14 साल का, तो उसके अंदर 2 डोज लगती है। और अगर कोई 15 से लेकर 26 साल का है, ठीक है, उसके अंदर 3 डोज लगती है। अब जो 2 डोज है वो कब कब लगती है, एक तो लगती है 0 डोज, ठीक है, और लगती है 6 से लेकर 12 मंथ। ठीक है, 0 डोज लगी, उसके बाद 6 से लेकर 12 मंथ में दूसरी डोज लगती है। और जो 15 से लेकर 26 साल तक के नौजवान हैं, नौजवान लड़कियां, ठीक है, उनके 3 डोज लगती है। वो 3 डोज कब लगती है, एक तो लगती है 0 पे, एक लगती है 1 से लेकर 2 मंथ पे, ठीक है, और एक लगती है कब, 6 मंथ पे। जैसे आप दिख नहीं रहा होगा आपको, एक लगती है, जो 3 डोज बताइए इसके अंदर मैं बता दूं आपको, एक लगती है 0 पे, एक लगती है 1 से लेकर 2 मंथ पे, ठीक है, और अगली लगती है 6 मंथ। ये हो गया एचपीवी के बारे में कि एचपीवी अपर आर्म पर लगाई जाती है, इसकी डोज अलग अलग होती है। अगर 9 से लेकर 14 साल तक बच्चे के अंदर लगाते हैं तो वो लगाते हैं 2 डोज, और 15 से लेकर 26 के अंदर 3 डोज लगाते हैं। 9 से लेकर 14 के अंदर 2 डोज लगाई जाती है, वो लगाई जाती है, एक तो 0 डोज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद 6 से लेकर 12 मंथ पर लगाई जाती है। और 15 से लेकर 26 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर 3 डोज लगाई जाती है। अगर मान लो 9 से 14 में भूल चुके हैं आप, लगाया नहीं है, तो 15 से लेकर 26 साल तक लगाते हैं और 3 डोज लगाते हैं, जिसके अंदर एक होती है 0 पे, 0 डोज इसको बोलते हैं, एक होती है 1 से 2 मंथ पे, एक होती है 6 मंथ पे, ठीक है। इसका रूट IM होता है, ये अपर आर्म पे लगाई जाती है। तो इसका जो आंसर है मेनली, और मैं बता दूं आपको, जो ये 2 डोज लगाई जाती है, मेनली रिकमेंडेड की जाती है अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मेनली ये जो रिकमेंडेड की जाती है ये परफेक्ट मानी जाती है 9 से लेकर 14 साल। बेस्ट जो होता है एचपीवी वैक्सीनेशन करने का लड़कियों में वो 9 से लेकर 14 साल तक बेस्ट रहता है। उसके बाद आप वो तो उसके बाद जो दूसरी साल जो बता रहे हैं 15 से, वो तो ये है कि मजबूरी है, लगानी पड़ेगी। लेकिन मेनली जो काम आती है, ठीक है, डोज जो लगाई जाती है प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन, ठीक है, वो लगा जाती है 10 से लेकर 14 साल, 9 से लेकर 14 साल, ठीक है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 9 से लेकर 14 साल इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा 9 से 14 साल HPV वैक्सीन मेनली लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? HPV जो वायरस है या सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 10 से 14 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाज इंट्रोड्यूस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं, जो मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं, उनको लाने का काम कौन सी कमेटी ने किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है कि भोर कमेटी। तो भोर कमेटी, ये चीजें याद रखना है, भोर कमेटी कब आई थी? भोर कमेटी आई थी 1943 के अंदर। कब आई थी? 1943 के अंदर, ठीक है। और क्यों आई थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ चीज लेके आई थी इस भोर कमेटी के अंदर, ठीक है। जोसेफ भोर सर थे जिन्होंने इसका मतलब जिन्हें बनाई थी ये भोर कमेटी, और 1943 के अंदर इसको लाया गया था। और इसका काम क्या था? जो भोर कमेटी है वो क्या थी? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट जो कमेटी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? भोर कमेटी। और जो कब स्थापित हुई थी? 1940। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं करतार सिंह कमेटी, ठीक है। अब करतार सिंह जो कमेटी है वो 1942 के अंदर स्थापित की गई थी। 1942, ठीक है, 1942 के अंदर स्थापित की गई। और इसका मेन पर्पस क्या था करतार सिंह का? ये था मल्टीपर्पज जो वर्कर होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, उनको लाना, ठीक है। वो किसका कॉन्सेप्ट था? करतार सिंह कमेटी का, जो 1972 के अंदर आई थी। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी क्या है, ठीक है। चड्डा कमेटी ने क्या किया था? ये आई थी 1963 के अंदर आई थी, ठीक है, कंफर्म 1963 के अंदर ही आई थी, ठीक है। इसने क्या किया था? जो मलेरिया, उस टाइम क्या हुआ था कि मलेरिया चल रहा था बहुत तेज वाला, तो इसने क्या किया? मलेरिया इरिगेशन में साथ दिया था, ठीक है। प्रोग्राम जो था मलेरिया इरिगेशन, वो इसने चड्डा कमेटी ने किया था। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर ऑप्शन डी के अंदर है श्रीवास्तव कमेटी। अब श्रीवास्तव जो कमेटी है, ठीक है, इसने क्या किया था? मेडिकल एजुकेशन और मैन पावर, को बढ़ोतरी दी थी इसने, श्रीवास्तव कमेटी ने। और जो श्रीवास्तव कमेटी है, ठीक है, ये कब आई थी? 1977 में ये आई थी श्रीवास्तव। अब देखो अब आते हैं अपन, पहला क्वेश्चन भूल चुके हैं कहाँ गए थे, अपन आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। कि जो मल्टीपर्पज वर्कर है उनके बारे में कौन सी कमेटी ने बताया था? मैंने आपको बताया कि जो उनके बारे में बताया था मल्टीपर्पज 1972 के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर कौन सा है? करतार सिंह कमेटी ने, ठीक है, क्या बताया था कि मल्टीपर्पज वर्कर को लाया जाए, उनके बारे में बताया था। और ये 1972 के अंदर आए थे, और कौन था वो? करतार सिंह कमेटी के अंदर ये बात की गई थी। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो वैसे मैं बता दूं आपको, जंगल वाला कमेटी है वो 1967 के अंदर आई थी। उसके बाद मुदालियर जो कमेटी है, मुदालियर, वो आई थी 1962 के अंदर। और मुदालियर कमेटी ने क्या दिया था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग दिया था उसने। किसने? मुदालियर कमेटी ने। उसके बाद अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो एल्कोहल विड्रॉल होने के बाद दी जाती है? एल्कोहल विड्रॉल, ठीक है। एल्कोहल विड्रॉल होने के बाद दी जाती है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को रोकती है? ठीक है, इनमें से ऑप्शन है बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपाइन, डाइसल्फ्यूराइम और एकाम्प्रोस्ट। ठीक है, तो जो एकाम्प्रोस्ट है वो दी जाती है एल्कोहल जो डिपेंडेंस है, एल्कोहल डिपेंडेंस के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मतलब ड्रग छूट गई या विड्रॉल होने के बाद नहीं दी जाती। ठीक है, डाइसल्फ्यूराम है, ये भी क्या करते हैं, ये डाइसल्फ्यूराम काम आती है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी क्या होती है कि अगर कोई पर्सन खाना खा रहा है उसके अंदर डाइसल्फ्यूराम मिला दीजिए तो उसको क्या है, धीरे धीरे जो एल्कोहल की लत है वो छूट जाती है। ठीक है, तो इसको लत मिटाने वाली दवाई भी बोलते हैं, दवाई बोलते हैं। मतलब इसको एवर्जन थेरेपी क्या होती है कि किसी भी प्लीजेंट जो स्टिमुलाई होता है उसको अनप्लीजेंट तरीके से, अनप्लीजेंट सबस्टेंस से उसको अनप्लीजेंट फीलिंग देना, वो क्या कराती है, एवर्जन थेरेपी कराती है। वो किस, इसके अंदर कौन सी ड्रग काम में ली जाती है, डाइसल्फ्यूराम ड्रग काम में ली जाती है। ऑप्शन बी है बेंजोडाइजेपाइन और बारबिचुरेट। ठीक है, अब बारबिचुरेट है वो क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटी हिप्नोटिक, सॉरी हिप्नोटिक ड्रग है ये। ठीक है, ये सेडेट करने के काम आती है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है बारबिचुरेट का। उसके बाद ऑप्शन बचा है बेंजोडाइजेपाइन। ठीक, ओके, ये जो बेंजोडाइजेपाइन है, ठीक है, ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, ऑप्शन जो बेंजोडाइजेपाइन है, ये ड्रग क्या होती है कि अगर किसी पेशेंट को एल्कोहल छोड़ चुका है वो, ठीक है, एल्कोहल छोड़ चुका है और विड्रॉल सिम्टम उसको आ रहा है, ठीक है, जो ट्रेमर आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेमर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एपेटाइट, मतलब एपेटाइट हो रहा है उसको, ठीक है, इंसोमिया हो रहा है, नींद नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो उस जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी है, बेंजोडाइजेपाइन। तो अल्कोहल विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, बेंजोडाइजेपाइन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज लॉन्च। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? इसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर क्या करते हैं, बच्चे और मदर का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और एक आता है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंदर जो मदर है उसको क्या है, 104 नंबर की एम्बुलेंस है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, जेएसवाई में और जेएसएसके में शिशु सुरक्षा, मतलब बच्चा और मादा, मतलब जच्चा और बच्चा दोनों को क्या किया गया था, प्रोटेक्ट करना है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह उनको, मतलब उनका ध्यान रखना है। ठीक है, उनका प्रमोशन करना है हेल्थ का। जैसे इसके बाद अब ये पूछा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था वो कब लॉन्च किया गया? तो जो जेएसवाई है, जननी सुरक्षा योजना, वो लॉन्च करी गई थी 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 में जेएसवाई लॉन्च की गई थी और जननी शिशु सुरक्षा योजना है वो लॉन्च की गई थी, 1 जून 2011। ठीक है, जेएसएसके था वो 1 जून 2011 को आया था और जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना है वो 12 अप्रैल 2005 को आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। अब ये एक तरीके से जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पहले एक आया हुआ था उससे मैंने मॉडिफाई किया है। ये ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? एक ऑपरेशन था जो किसके लिए चलाया गया था, वाइट रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वाइट रिजोल्यूशन के अंदर ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जिसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना, बढ़ावा देना होता है। ठीक है, अब जिसको बोलते हैं सफेद क्रांति, अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, सफेद क्रांति, इसको बोलते हैं सफेद क्रांति। ठीक है, जो सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है, दूध से। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या जाता है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, वाइट रेजुलेशन जिसको नाम दिया गया था। अब इसके जो जनक है, वो जिसको फादर बोला, जिसको जनक बोला है, वो कौन था, डॉक्टर क्यूरियन। जो डॉक्टर क्यूरियन थे वो फादर थे किसके, वाइट रेजुलेशन के फादर थे, जिन्होंने क्या किया था, वाइट रेजुलेशन के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। जिसके अंदर क्या किया गया था, उनमें एक चीज रखी गई थी कि जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर उसको बढ़ावा मिले और मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सफेद क्रांति के नाम से जानता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका संबंध, जो डॉक्टर स्वामीनाथन है इनका संबंध था ग्रीन रेजुलेशन से, ग्रीन रेजुलेशन से इनका संबंध था, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंध था, उनका नाम क्या था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का क्या होगा, जो धान वगैरह अपन जो बनाते हैं, ठीक है, जो मतलब खेतों के अंदर धान वगैरह होता है, गेहूं की खेती होती है, जितने भी धान होते हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना, उनका प्रोडक्शन पे बढ़ावा देना ग्रीन रेजुलेशन कराता है। ये किसने, और इसके फादर कौन थे, डॉक्टर स्वामीनाथन। उसके बाद अरुण कृष्णन, ठीक है, ग्रीन मतलब हरित क्रांति। अब उसके बाद आता है अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन कौन थे, इनका काम था कि जो ब्लू रेजुलेशन होता है, मतलब कि ब्लू या नीली क्रांति। नीली क्रांति का अर्थ क्या होगा, मैंने क्या किया था कि चारों ऑप्शन के अंदर जो जितने भी क्रांति रेजुलेशन आए वो डाल दिए, जो आपका रिवीजन हो सके, आप पढ़ सको। अब कहीं से इन चारों के बाद अगर कोई रेजुलेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ब्लू रेजुलेशन क्या होता है, मतलब नीली क्रांति जिसको बोला, नीली क्रांति के जनक कौन थे, अरुण कृष्णन थे। अब नीली क्रांति है वो किससे संबंधित थी, जो फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो मछली पालन होता है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो ब्लू रेजुलेशन चलाया गया, किसके द्वारा, अरुण कृष्णन के द्वारा। उसके बाद है सैम पिट्रोदा। सैम पिट्रोदा ये कौन है, ये महाशय है कि इन्होंने क्या किया था, येलो रेजुलेशन चलाया, जिसको बोलते हैं पीली क्रांति। आज सारी जीके यही पढ़नी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीली क्रांति, इसको बोला जाता है। और इनका काम था, सैम पिट्रोदा भाई साहब का, कि इनका काम क्या था कि इन्होंने क्या किया था, जो ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑयल सीड्स, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल का निर्माण होता है, उनका प्रोडक्शन पे ध्यान देना, उनका प्रोडक्शन करवाना येलो क्रांति के अंदर आता है, जिनका नाम क्या था, सैम भाई साहब, सैम पिट्रोदा नाम था। उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5। बोला जाता है कि 0 से लेके 1 से लेके 5 साल तक जो बच्चे होते हैं इनकी मरने का, डेथ का मेन कारण क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डायरियल डिजीज, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है मीजल्स और ऑप्शन डी है स्मॉलपॉक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। जो मेन कॉज होता है बिलो 5 ईयर का, ठीक है, वो होता है निमोनिया। फर्स्ट होता है निमोनिया। अगर ऑप्शन में निमोनिया नहीं हो तो सेकंड नंबर आता है डायरियल डिजीज, जो कि क्या है, मेन कॉज है 5 साल से कम बच्चों का डेथ का। कौन सा है, पहला होता है निमोनिया और सेकंड नंबर होता है डायरिया। 1 साल से 5 साल तक ज्यादातर मरने वाले बच्चों का जो मेन कॉज होता है वो निमोनिया होता है, सेकंड नंबर होता है डायरिया, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, डायरिया होता है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है When kangaroo mother care is provided, for what minimum periods it should be provided? कंगारू मदर केयर क्या होती है, ये देखो, केएमसी। केएमसी क्या होती है, बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए मदर के ब्रेस्ट के बीच में, बिटवीन ब्रेस्ट, ठीक है, बीच में बच्चे को फ्रॉग लाइक पोजिशन में बच्चे को रखा जाता है, जिससे क्या होती है, जो मदर की जो हीट है, मदर की हीट है, उससे क्या बच्चा क्या होगा, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होगा। अब ये हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होगा तो केएमसी बोल रहा है कि केएमसी ओनली मदर दे सकती, नहीं, याद रखना। अगर क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन कौन केएमसी दे सकते हैं, ऑप्शन आए दादा, ठीक है, नानी, फादर या पापा और मदर। और नीचे मतलब एक मदर आ जाए उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना ओनली मदर नहीं दे सकती, इनमें ऑल ऑफ द अबव, इनमें से जितने भी सारे जने हैं कोई भी केएमसी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम जो होता है केएमसी देने का टाइम, सबसे कम टाइम होता है वो कितना होता है। तो मिनिमम जो टाइम होता है केएमसी का, ठीक है, वो कितना होता है 1 आवर्स। ये हो गया मिनिमम टाइम 1 घंटा। ठीक है, मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम हो गया 1 घंटा 1 आवर्स। और मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम अपन 24 घंटे तक उसको दे सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये क्या है फायदे वाली चीज है। और जब बच्चे को फ्रॉग लाइक पोजिशन देते हैं तो उसकी जो गर्दन होती है जो, ठीक है, उस गर्दन को एक तरफ साइड एक तरफ घुमा दिया जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे मुंह पे नहीं देते, ठीक है, एक तरफ घुमा के फिर उसको सुला देते हैं, फ्रॉग लाइक पोजिशन दे देते हैं, वो भी ब्रेस्ट के बीच में, और वो भी फ्रॉग लाइक पोजिशन देके। तो इनमें से कोई भी नाना दादा नानी मदर, इनमें से सारे जने क्या कर सकते हैं, मौसी वगैरह कोई भी उनको केएमसी दे सकती है बच्चे को। वो क्यों देते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है Which of the following immunoglobulin is found in human milk? अब इनमें से इम्यूनोग्लोबिन होती है जो क्या करती है अपन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रखती है और उसके खिलाफ क्या रखती है, लड़ती है, वार करती है उसके खिलाफ। ठीक है, इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करती है, वार करती है। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर के मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, अपन क्या करेंगे इम्यूनोग्लोबिन को कंटिन्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अपन देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन होता क्या है, ये चीज देखनी है अपन को। देखो इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी में कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसका उसके अंदर हेल्प करता है इम्यूनोग्लोबिन। अब ये पूछ रहा है कि ह्यूमन मिल्क के कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए से, आईजीजी क्या है, आईजीजी। ठीक है, आईजीजी क्या होता है कि मोर मात्रा में अपनी बॉडी के अंदर मोर एबुडेंट मात्रा में पाया जाता है, जिसकी 75% ये सबसे ज्यादा आईजीजी पाया जाता है अपनी बॉडी के अंदर। और ये बॉडी फ्लूइड के अंदर, लाइक बॉडी फ्लूइड कौन से, ब्लड के अंदर, ब्लड के जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल ब्लड के मटेरियल है उनके अंदर। तो ये जो आईजीजी है ये क्या होता है, मदर से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बच्चे के अंदर, ठीक है, कब, प्लेसेंटा से। जो प्लेसेंटा से ट्रांसफर जो होता है इम्यूनोग्लोबिन, उसका नाम है आईजीजी। क्वेश्चन आएगा कि मदर से प्लेसेंटा से या मतलब प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, तो उसका आंसर क्या है, आईजीजी, जो कि 75% होती है अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आईजीजी। उसके बाद आईजीएम, आईजीएम क्या है, जो आईजीएम है आईजीएम होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है अपनी बॉडी की। अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन आया तो उसको रोकने का काम जो करती है, सबसे पहले जो काम करती है वो आईजीएम करती है, एंटीबॉडी बना के, ठीक है, आईजी इम्यूनोग्लोबिन करती है। और जो सबसे बड़ी होती है साइज के अंदर, सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है, आईजीएम। उसके बाद आते हैं वो आईजीई, आईजीई क्या है कि जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होगी तो सबसे एलर्जिक कंडीशन में सबसे पहले फर्स्टली जो स्टिमुलेट होगा या हेल्प करेगा उसको दूर करने के लिए, तो कौन सा होगा, आईजीई। ठीक है, उसके बाद जो आईजीए है, ठीक है, आईजीए कहाँ पे मिलता है, आईजीए मिलेगा आपके सलाइवा के अंदर, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ब्रेस्ट मिल्क और सलाइवा और अपने टीयर के अंदर, मतलब अपने जितने भी सीक्रेशन है बॉडी के उनके अंदर आईजीए मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज फाउंड इन ह्यूमन मिल्क, मानव के मतलब ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है आईजीए। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो ऑन विच साइड ऑफ द हैंड शुड द ट्यूब ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी प्लेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120/80। ठीक है, 120/80 होती है। उसके बाद 120/80 होती है। उसके बाद जो बीपी होती है उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, स्फाइगोमैनोमीटर काम में लिया जाता है। और इसकी नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120। अब ये बोल रहा है कि मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जब आप ब्लड प्रेशर की जांच कर रहे हो ऑन विच साइड ऑफ हैंड, आपका जो हाथ है उसके अंदर वो जो ट्यूब होती है, ठीक है, जैसे मान लो ये कफ है, इसके अंदर जो ट्यूब लगी होती है, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब इधर जाती है, एक वो जो उसको जो मार्किंग है उस पर जाती है, यहाँ पे एक जब अपन प्रेस करते हैं, ठीक है, उसमें जाती है। तो ये वाली जो ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब कहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये ट्यूब इंस्ट्रूमेंट जो प्लेस होगी वह कहाँ पे होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन है लेटरल साइड में, जैसे ये हाथ हो गया अपना, ठीक है, इसके साइड में होगी यहाँ पे, क्या होगी इनसाइड या बीच में होगी यहाँ पे, क्या होगी पोस्टीरियर पीछे की साइड में रहेगी, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर लेटरल मतलब पीछे की साइड में और साइड के अंदर रहेगी। मेनली आपने सबने बीपी ली है तो आप पता होगा आपको कि जो ये बीपी की जो पाइप है, ये पाइप कहाँ पे रहती है, मेनली बीच में रहती है, ठीक है, एंटीक्यूबॉटल फोसा के जस्ट पास में, उसी के ऊपर की तरफ रहती है। उससे 2 इंच ऊपर अपन जो कफ है वो बांधते हैं। तो इनसाइड या मीडियल की तरफ ये क्या रहती है, ट्यूब रहती है। इसका आंसर क्या हो गया, 20 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो अपना रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया के अंदर पूछे तो इंडिया के अंदर रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब ये पूछा है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी होती है जो इंटरनेशनल पे है, उसका जो है वो कहाँ पे है, वो होता है जेनेवा। और जो जेनेवा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये होती है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के अंदर क्या होती है, जेनेवा पाया जाता है, ठीक है। और जेनेवा का अंदर ही क्या होता है, WHO का हेडक्वार्टर भी वहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the most common cause of diabetic mellitus? ठीक है, इनमें से कौन सा कॉज है जिससे डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्लैक्टोसीमिया, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया, तीसरा हाइपोग्लाइसीमिया और फोर्थ है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि स्ट्रोक से आईसीपी वगैरह बढ़ते हैं, यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस की बात हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लैक्टो, तो मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलाइटिस का कारण क्या होता है, जैसे ग्लैक्टोसीमिया की अपन बात करते हैं तो ग्लैक्टोसीमिया क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ग्लैक्टोसीमिया होता है वो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब ग्लैक्टोसीमिया के अंदर, ग्लैक्टोसीमिया में होता क्या है, लीवर अफेक्ट होता है। अब लीवर अफेक्ट होता है तो इसके अंदर होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, सॉरी ग्लैक्टोज होता है, जो ग्लैक्टोज होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता या बन नहीं पाता किसके अंदर, ग्लूकोज, और वो ग्लैक्टोज का ग्लैक्टोज है वो लीवर के अंदर जमा रहता है, मतलब ये कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर क्या होगा कि ग्लैक्टोसीमिया, इसका आंसर नहीं है कि ग्लैक्टोसीमिया लीवर की डिजीज है तो इससे कोई संबंध नहीं है अपना। ठीक है, ठीक है, ग्लैक्टोसीमिया क्या है कि लीवर की डिजीज है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई काम नहीं है अपने। ठीक है, कोई काम में नहीं आता ये। उसके बाद आता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर कॉज कॉमन नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेनली आंसर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से क्या डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को फिर आगे जाके क्या होता है कि जब इंसुलिन, अपन ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा लेने लग जाता है तो इंसुलिन कम हो जाता है, तो ये कंडीशनें चलती रहती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया उसके बाद डेवलप होता है, लेकिन मेनली क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्सेप्ट। इनमें से सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सारे ऑप्शन क्या करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसको बढ़ावा देते हैं, एक को छोड़ के। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए है लेट मेनोपॉज, ऑप्शन बी है एक्सेसिव वेट, ऑप्शन सी है सेक्सुअल रिलेशन विथ मल्टीपल पर्सन, ऑप्शन डी है नॉट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो लेट मेनोपॉज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब हार्मोन डिक्रीज होते हैं तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस। एक्सेसिव वेट कॉमन कारण हो सकता है, ज्यादातर बीमारियों का जो वेट होता है वो कॉमन कारण होता है। नॉट डूइंग फिजिकल, अगर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने के चांस बढ़ सकते हैं। बट सेक्सुअल रिलेशन विद मल्टीपल पर्सन, अगर सेक्सुअल रिलेशन है मल्टीपल पर्सन से तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं, बट ये तो नहीं होंगे, पर क्या होगा, एड्स जरूर हो जाएगा उसको। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगा, जाएंगे, तो ऐसा ना करें। ठीक है, मल्टीपल पर्सन को बचा के रखें क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बच सकता है आपका, लेकिन एड्स नहीं बच सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी है कि सेक्स विद मल्टीपल पर्सन ये एड्स को बढ़ावा देता है, ना कि ब्रेस्ट कैंसर को। और बाकी जितने भी तीन ऑप्शन है, ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन जितने भी है ये क्या करते हैं, बाकी भी तीन ऑप्शन है ये क्या करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, एक्सेप्ट वन, ये वाला एड्स वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इनमें से कौन सा टाइम है जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, जो ब्रेस्ट का जो एग्जामिनेशन होता है, जो खुद कौन करता है, खुद गर्ल करती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है, इनमें से कौन सा टाइम बेस्ट होगा। ठीक है, वैसे मानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो 5वां दिन है, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आज से स्टार्ट हुआ, उसके 5 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर खत्म हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है, 4 या 5 दिन चलता है वो, वो खत्म होने के बाद जो टाइम आता है उसके अंदर आपको क्या करना है, जब खत्म हो जाता है तो उसी टाइम से आपको क्या करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया एक टाइमिंग क्या है कि एमसी साइकिल खत्म होने से लेके 5 से 7, जैसे 5 दिन पर खत्म हुई तो 5 से लेके 10 दिन का जो टाइम होता है उसके अंदर आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है। एमसी साइकिल में नहीं कर सकते। उसका बाद दूसरा इसका एक रूल है कि एक फिक्स डेट फिक्स टाइम पे करना है कि मॉर्निंग में कर रहे हो या दिन में कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, और इसका फिक्स टाइम पे करना है। फिक्स टाइम के अलावा इसमें यह भी है कि जब नहाने जाते हो, ठीक है, बाथिंग करने जाते हो, ठीक है, जब शॉवर ले रहे हो उस टाइम आप कर सकते हो। शॉवर मतलब शॉवर जब खत्म हो जाए शॉवर लेना, तो उसके बाद जब आप उस टाइम मतलब शॉवर खत्म होने के बाद शॉवर टाइम आप ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इनमें से कौन सा आंसर अच्छा है? पहला आंसर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ऑप्शन बी है 7 से 10 डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन सी है 10 डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ऑप्शन डी है इफ द वुमन टेकिंग हार्मोन देन द नेक्स्ट डे आफ्टर विड्रॉइंग ब्लीडिंग स्टार्ट। तो ये जो ऑप्शन डी है कि मैं जो वुमन है वो हार्मोन ले रही है, देन नेक्स्ट डे आफ्टर विड्रॉन ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हट जाती है, तो ये तो आंसर इसका बहुत ही वाहियात और बकवास कोई आंसर है। ऑप्शन है ऑप्शन सी है 10 डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ, मतलब 10 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट हुआ उससे 10 दिन पहले। ये तो कोई बात समझने वाली नहीं है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मैंने पहले बताया था आप नहीं कर सकते। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन करना है मेंस्ट्रुएशन के बाद, और जब ब्लीडिंग टाइम खत्म हो जाए, ब्लीडिंग फेज खत्म हो जाए उसके बाद जस्ट स्टार्ट करना है, और फिक्स टाइम पे करना है, और बाथिंग के टाइम स्टार्ट करना है, और ये फिक्स टाइम रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी है 7 से 10 दिन आफ्टर द फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन, मतलब फर्स्ट डे हो गया मेंस्ट्रुएशन 1 तारीख को, तो 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद मतलब 7 तारीख को, तो मतलब अपन ने बताया कि 5 तारीख तक वो ब्लीडिंग रुक जाती है, तो 7 दिन से स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट टाइम ये ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा हुआ है ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रैकियोथेरेपी रेफर्स टू। ब्रैकियोथेरेपी के बारे में बता देता हूं कि जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर 2 थेरेपी दी जाती है, एक होती है ब्रैकी, एक होती है टेलीथेरेपी, ठीक है, टेलीथेरेपी। ब्रैकियोथेरेपी और टेलीथेरेपी क्या होती है? टेलीथेरेपी के अंदर कोई भी मतलब एक्सपोजर होता है वो जो देता है उसको एक्सपोज कम होने के चांस रहते हैं, जबकि ब्रैकी के अंदर एक्सपोज ज्यादा होने के चांस रहता है जो दे रहा है उसको, ठीक है। और टेली के अंदर क्या होता है, जो भी अपन दे रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ देंगे, सॉरी मैं दो थेरेपी होती है इसके अंदर, एक आती है ब्रैकी और एक आती है टेलीथेरेपी। तो जो ब्रैकी होती है, जो टेली होती है उसके अंदर एक्सपोजर होता है वो ज्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये दी जाती है आउटसाइड से, ठीक है, मतलब बाहर से दी जाती है। और जो ब्रैकी होती है, ब्रैकी में एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर के जो चांस होते हैं किसी पर्सन के जो दे रहा है, ठीक है, उसके एक्सपोजर कम होते हैं। क्यों? रीजन बिहाइंड की ये होती है इंटरनल, मतलब ऐसी थेरेपी जो इंटरनल रेज या इंटरनल जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो डाल के अंदर की तरफ दी जाती है, जो अंदर की तरफ ही सब कुछ किया जाता है किसी ऑर्गन टिश्यू या कुछ भी के अंदर, ठीक, किसी के अंदर और किसी अंदर की तरफ करके दिया जाता है, तो उसको बॉडी के अंदर मटेरियल बॉडी के अंदर डाल के किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रैकियोथेरेपी। और टेलीथेरेपी ऐसी थेरेपी जो क्या करती है, आउटसाइड से दी जाती है, डायरेक्ट ऊपर से रेज पटकी जाती है, उसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गिविंग एंटी कैंसर ड्रग थ्रू इंट्रावेनस रूट, तो एंट्रीवेनस जो एंटी कैंसर ड्रग वो इंट्रावेनस रूट से नहीं दी जाती है, इसके अंदर ब्रैकियोथेरेपी का कोई भी लेन देन नहीं है। ऑप्शन सी है पासिंग रेडियो एक्टिव रे इन द बॉडी, पासिंग रेडियो एक्टिव वे इन द बॉडी, ये होगा टेलीथेरेपी। तो कोई भी रेडियो एक्टिव जो बॉडी के अंदर पासिंग किया जाता है उसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। नन ऑफ दिस का कोई चांस नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना, बॉडी के अंदर रेस्ट प्रोवाइड करवाना, वो कहलाता है ब्रैकियोथेरेपी। ठीक है। ब्रैकी यानी बाहर, बी यानी बाहर, बाहर मतलब इसका उल्टा कर लो क्या, ये अंदर की तरफ जाती है। और टेलीथेरेपी है वो कहाँ जाती है, टेलीथेरेपी जाती है आउटसाइड। जो बाहर है उसका उल्टा अंदर की तरफ दी जाती है ब्रैकी, और टेली दी जाती है आउटसाइड। तो अभी अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस ये क्लास स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। और अभी 5 मिनट का ब्रेक के बाद अब वापस अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो देखते हैं अपन क्या होगा, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक ले लिया तो इसके अंदर आपका जो भी पानी पीना है, चाय पीनी है, जो भी कर चुके होंगे। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये मैंने ब्रेकिंग थेरेपी वाला बता दिया, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। मतलब जो भी कोई इम्प्लांट वगैरह होंगे, ठीक है, कोई भी अगर इम्प्लांट वगैरह है रेडियो एक्टिव के, ठीक है, कीमोथेरेपी के, तो वो कहाँ जाएंगे? इनसाइड द बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी है, मल्टीपर्पज कमेटी है, ठीक है। जब ये पहले क्वेश्चन गया था उसके अंदर मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इनमें से जो चारों हैं, मैंने इनके बारे में सारा डिस्कशन पहले क्वेश्चन में कर दिया था। तो इनमें से जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, वो कौन सी है? वो है मुदालियर कमेटी। कौन सी है? मुदालियर कमेटी है। वो कौन सी कमेटी के नाम से जानी जाती है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से। तो ये जो जितनी भी कमेटी है इनके बारे में मैंने पहले एक अपना जो पहले क्वेश्चन था उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिव्यू लेना था कि एक हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी करके क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात करी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज अ वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक डिजीज और पेंडेमिक, ठीक है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो WHO है उसने क्या किया था, जब अपने कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था उसके अंदर क्या हुआ था कि इस कोविड-19 को पेंडेमिक बताया था। पेंडेमिक क्या होता है? ऐसी डिजीज जो क्या वर्ल्ड वाइड फैलती है। वर्ल्ड वाइड अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक डिजीज बोला जाता है। तो कोविड-19 को WHO ने पेंडेमिक कब घोषित किया था? वो क्या था? 11 मार्च। WHO ने पेंडेमिक कब घोषित किया था? 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को क्या किया था कि जो पेंडेमिक घोषित किया था, किसको? कोविड-19 को। पेंडेमिक घोषित किया था किसको? कोविड-19 को। अब कोविड-19 क्या है? कोविड-19 का जो मीनिंग है वो है CO, मतलब कोविड, को मतलब कोरोना वायरस, कोरोना, और वी मतलब वायरस। और ये कब हुई थी? 2019 के अंदर डिजीज का आना हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? कोविड-19 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। मतलब क्या होता है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक होती है, उसके अंदर स्टेप्स कितने हैं? तो देखा जाए तो इसके अंदर स्टेप्स कितने होते हैं? इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और 6 स्टेप्स हैंड वॉशिंग के अंदर होते हैं, जिसके अंदर आप हैंड को रब करेंगे, थंब होगा, ठीक है, मुट्ठी करेंगे। तो इसके अंदर कितने हो गए? 6 टेक्निक होगी। 6 तरीके से अपन हैंड वॉशिंग करते हैं, इसके अंदर 6 टेक्निक है हैंड वॉशिंग की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटिंग ऑन, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट ऑन। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? वर्ल्ड कैंसर का जो ऑप्शन है वो शायद नहीं डाला गया है, ठीक है, कुछ शायद टाइपिंग करने में मिस्टेक होगी। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। अब इसके बाद इसका ऑप्शन ए क्या कहता है कि ऑप्शन ए कहता है कि सितंबर 29 को क्या बनाया जाता है? सितंबर 29 को बनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है अक्टूबर 10 को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड का जो मेंटल हेल्थ है वो डे, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। दिसंबर 1 को बनाया जाता है, दिसंबर 1 को क्या बनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। एड्स डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 1 तारीख को। अब जो ऑप्शन डी है अप्रैल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस जिसको बोलते हैं वो कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज बाय द कोयल डस्ट। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कोयले की जो खाने होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो कोयले की जो खाने होती है, जहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है, वहाँ के वर्कर जो काम करते हैं, उनमें से जो कोयल डस्ट की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, ठीक है। अब अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कि जैसे ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है बैगोसिस। बैगोसिस क्या होता है? जो अपनी शुगर कैन होती है, ठीक है, शुगर कैन होती है, शुगर कैन डस्ट होती है, ठीक है। शुगर कैन जो डस्ट होती है उनकी वजह से यहाँ पे जो शुगर कैन का अर्थ क्या हो गया, जहाँ जो चीनी वगैरह ये होता है ना, ठीक है, गन्ने के जो होते हैं खेत, वहां पे जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, ठीक है, उनकी जो डस्ट होती है शुगर कैन की, ठीक है, उस डस्ट की वजह से जो डिजीज होती है वो क्या होती है? बैगोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? बैगोसिस कहलाती है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आ गया बी। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइड्रोसिस, ठीक है। साइड्रोसिस क्या होता है? कोई भी अगर वर्कर अगर आयरन फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो आयरन जो डस्ट होती है, ठीक है, आयरन की जो डस्ट होती है उसकी वजह से, अगर आयरन की डस्ट की वजह से अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो डिजीज होती है आयरन डस्ट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? साइड्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर लिखा गया है स्टेनोसिस। क्या होता है? स्टेनोसिस, ठीक है, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस इसके अंदर क्या होता है कि जो टिन डस्ट होती है, ठीक है, कौन सी डस्ट होती है? टिन। जो टिन डस्ट होती है उसकी वजह से अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। उसके बाद जो ऑप्शन डी है वो है आपका कोयल डस्ट, तो कोयले की वजह से, ठीक है। कोयल डस्ट में क्या होता है? जो कोयले की वजह से अगर किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज हो रही है या कोयले की डस्ट की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? ठीक है। जो ऑप्शन डी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस क्या है कि अगर कोयल डस्ट जो कोयला होती है, कोयल डस्ट की वजह से अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज पैदा हो रही है, ठीक है, कोयल डस्ट की वजह से अगर कॉज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंथ्राकोसिस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना वाज स्टार्टेड इन। वंदे मातरम योजना, ठीक है। अब मैं कुछ जो वंदे मातरम है, जो वंदे मातरम योजना है, इसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम योजना किसके लिए करी गई थी। तो जो वंदे मातरम योजना है वो करी गई थी 9 अप्रैल। ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 9 फरवरी 2004 में, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो 33% महिलाएं थी, ठीक है, 33% महिलाओं को क्या है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या है जो सुविधाएं हैं प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सुविधाएं मिलती है, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सारे सिस्टम लगाए जाते हैं, मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के टाइम जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि 33% महिलाओं का इनका लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है, ये क्या थी, वंचित थी। तो इस चीज को रोकने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी में जो 11 पहली गर्भवती महिलाएं होती है, 11 पहली गर्भवती महिला होती है, उनको 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये प्रोत्साहन राशि किस लिए दी जाती है कि कुछ भी अगर खाने पीने में न्यूट्रिशनल अगर किसी की कमी आती है तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो 5,000 रुपए काम में आते हैं। तो 11 आंगनबाड़ी के अंदर 11 जो पहले जो मतलब कोई भी विलेज होता है उसके अंदर 11 गर्भवती महिलाएं को 5,000 का प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो वंदे मातरम योजना है, इसमें क्या होता है कि जो प्रसव से पहले मतलब गर्भवती थी डिलीवरी होती है उससे पहले जो मतलब डिलीवरी पीरियड चलता है उसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी से पहले तो जितनी भी जांचें होती है, ठीक है, जितने भी टेस्ट या डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है, उनको उनके वो नहीं हो पाते थे 33% महिलाओं के अंदर। तो उन जांचों को पूरा करने के लिए, उन जांचों को जितने भी टेस्ट होते हैं उनको कंप्लीट करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देती थी। और जो 33% महिलाएं हैं उनको ये चीज मतलब जांचें करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि प्रसव जो डिलीवरी है उससे पूर्व क्या है, उससे पहले जांचें मतलब 33% जो गाँव के अंदर है वो जांचें नहीं करवाते थे, ठीक है, या तो अनअवेयरनेस या अनएजुकेटेड पर्सन की वजह से। तो क्या करती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जो उनका ये सहयोग करती थी इस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो वंदे मातरम योजना है ये इसी के लिए चलाई गई थी, ठीक है, कि जो पहले जांच नहीं होती थी, ठीक है, उस जांचों को वो पूरा कर सके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ठीक है, वंदे भारत योजना कब स्टार्ट हुई, 9 फरवरी 2024 को। इसका आंसर कौन सा है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉलपॉक्स, ठीक है। अब स्मॉलपॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉलपॉक्स, अब जो स्मॉलपॉक्स है, स्मॉलपॉक्स होती है, ठीक है, वेरियोला इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, वेरियोला इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि पहले इंफेक्टेड हुआ वहां से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वो होता है जैसे स्मॉल पॉक्स का होता है 10 से लेके 14 दिन। तो स्मॉल पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना हो गया, 10 से लेके 14 दिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वॉशरमैन हैंड एंड फुट फाउंड, ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है वॉशरमैन हैंड एंड वॉशरमैन जो फुट होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब कि धोबी, ठीक है, धोबी के जैसे पाँव हो जाते हैं, ठीक है, और फुट भी और हैंड भी वैसे हो जाते हैं। तो धोबी की तरह पाँव और हैंड हो जाते हैं, तो उसको कौन सी डिजीज के अंदर ये चीज अपन को देखने को मिलेगी। तो हेपेटाइटिस डी के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी इससे इन्वॉल्व नहीं करता। और उसके बाद आता है मम्स, उसके बाद टाइफाइड फीवर, तो इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखने को किसके अंदर मिलेगा, जैसे वॉशरमैन हैंड है, ठीक है, वो किसके अंदर, जैसे टाइफाइड फीवर में क्या होता है, पी सूप डायरिया देखने को मिलता है, येलो कलर का पी सूप डायरिया देखने को अपन को मिलता है टाइफाइड फीवर में, ठीक है। तो कोलेरा के अंदर क्या होता है, कोलेरा जो डिजीज होती है उसके अंदर ये वॉशरमैन हैंड दिखाई देता है, वॉशरमैन हैंड एंड फुट सिंड्रोम, इसको वॉशरमैन हैंड एंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं। और ये कोलेरा के अंदर ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है कोलेरा के अंदर होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब जिन कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन पाया जाता है उसी के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, वॉशरमैन हैंड दिखाई देता है, क्योंकि जो अपने हाथ होते हैं वो उनकी जो चमड़ियां होती है वो फटी फटी लगती है, और जो वॉशरमैन हैंड है, ठीक है, वो किसमें दिखाई देगा अपन को, कोलेरा के अंदर, और वो किसकी वजह से होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पी सूप डायरिया एंड रॉज स्पॉट्स एसेस फाउंड इन विच डिजीज, ठीक है। तो पी सूप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पी सूप डायरिया होता है, वो किसमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर, ठीक है। टाइफाइड होता है उसके अंदर 30 उप दायरे देखने को मिलता है। टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है कि जो अपनी कॉलोन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर उसका इन्फ्लामेशन है, जिसके अंदर क्या होता है मतलब फीवर वगैरह आता है, और डायरिया होता है, ठीक है। और डायरिया किस तरह का होता है, पी सूप का टाइप होता है, ठीक है। और जो अपनी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, रोज स्पॉट, ठीक है, हल्के हल्के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं कि एंट्रिक फीवर भी उसका दूसरा नाम बोला जाता है। क्या बोलते हैं टाइफाइड फीवर को, आल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर बोला जाता है। किसको, टाइफाइड फीवर, क्योंकि ये क्या इंटेस्टाइन को इन्फ्लाम करती है, ठीक है। और इसके अंदर पी सूप, डायरिया और रोज स्पॉट अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, एंट्रिक फीवर जो है टाइफाइड का दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइटल स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्या होता है कि जो जितने भी वास्ट होते हैं अपने हॉस्पिटल के, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, एक मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट किया जाता है वो भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैनेजमेंट किया जाता है वो भी प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने का काम कैसा होता है कि पहले क्या करते हैं, उन जितने भी जो डिस्पोजल है, ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको क्या करता है एक जगह, जैसे भी हॉस्पिटल से निकले उनका कलेक्शन किया जाता है। उनका कलेक्शन करने के बाद जो वहां से लेने के बाद उनको क्या कहता है, सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करते हो गया कि जो जैसे कांच वाले कांच के अंदर, ठीक है, प्लास्टिक वाले प्लास्टिक, उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग करने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है कि भाई कहाँ पे डिस्पोज करना है इनको, डिस्पोज मतलब कहाँ पे इनको खत्म करना है, ठीक है। वहां से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसी व्हीकल के माध्यम से, जो BMW व्हीकल होता है। उसके बाद उनका डिस्पोजल क्या आता है, या उनको बर्निंग मेथड या बॉइलिंग मेथड, जो भी मेथड यूज में लेते हैं उसके हिसाब से उनका क्या आता है, डिस्पोजल क्या आता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइटल स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा स्टेप है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो महत्वपूर्ण मैनेजमेंट का जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है सेग्रीगेशन करना। क्योंकि अगर आपने सेग्रीगेशन नहीं किया तो जो आपने जितने भी जो डिस्पोजल करने के मेथड है वो सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्लास्टिक है, ठीक है, उसका डिस्पोजल करने का मेथड अलग है, ठीक है, और ग्लासवेयर है उनका डिस्पोजल करने का मेथड अलग है। तो आप सारों को एक साथ नहीं कर सकते डिस्पोज। तो सेग्रीगेशन होता है माध्यम, एक सेग्रीगेशन माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या होता है, अलग अलग किया जाता है फिर डिस्पोज किया। तो सबसे वाइटल जो स्टेप्स है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है अपना सेग्रीगेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। अगला क्वेश्चन, विच इज आल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस इज, मतलब इस इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जिसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन जो करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो हेपेटाइटिस फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो ए और ई जो हेपेटाइटिस होते हैं वो होते हैं ओरल फीको रूट से। ओरल फीको रूट से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फैलता है, ठीक है, ओरल फीको रूट से होता है। उसके बाद बचे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल की बात आई है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन हेपेटाइटिस बी के बारे में, ए और ई का क्या हो गया कि ओरल फीको रूट से फैलते हैं, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग की वजह से फैलते हैं ए और ई। तो हेपेटाइटिस बी जो है उसका दूसरा नाम, इसको क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस बोला जाता है। और जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है उसके बाद हेपेटाइटिस होने के चांस जो बढ़ जाते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा हेपेटाइटिस है, वो हेपेटाइटिस सी के अंदर इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो हेपेटाइटिस फैलने का चांस रहता है उसका नाम है हेपेटाइटिस सी, जिसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द स्पीशीज अकर सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। अब इनमें से इनके अंदर ऐसी कौन सी स्पीशीज है मलेरिया की, ठीक है, इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो क्या करती है सेरेब्रल मलेरिया कोज करती है, ठीक है। सेरेब्रल मलेरिया कोज करने का इनमें से कौन सा, जो अभी क्या होता है कि जो अपने मतलब इसको सीवियर फॉर्म भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। और ये जो स्पीशीज है ये इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, बहुत कम मात्रा 0.00 कुछ परसेंटेज के अंदर पाई जाती है, ठीक है, प्रतिशत के अंदर पाई जाती है। तो ये जो स्पीशीज है इसको दूसरा नाम दिया है सीवियर स्पीशीज, ठीक है। अब ये सीवियर स्पीशीज कौन सी है, इसका आंसर है डी प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है वो क्या है, एक तरीके से सेरेब्रल मलेरिया है, ठीक है, जो कि एन्सेफलाइटिस वगैरह भी कॉज कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है The nurse not a swelling on the neonate scalp, ठीक है, जैसे ये न्यूनेट है, ठीक है, इसका ये स्काल्प हो गया, ठीक है, ये स्काल्प हो गया इसका। नर्स नोट करती है स्वेलिंग ऑन द न्यूनेट स्काल्प, ठीक है, न्यूनेट के स्काल्प नोट करती है, देखती है वो द क्रॉसेस द सुचर लाइन, कुछ स्वेलिंग है जो क्या करती है, जो ये सुचर लाइन है यहाँ की, इसको क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, ठीक है, यहाँ से ये स्वेलिंग हो गई और इसकी सुचर लाइन को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, ठीक है। व्हाट इज द असेसमेंट फाइंडिंग, ठीक है, अब ये जो असेसमेंट है जो सुचर लाइन को क्रॉस कर रही है, ये असेसमेंट फाइंडिंग क्या है, ठीक है, कहना चाहता है कि मतलब जो सुचर लाइन को क्रॉस कर रही है स्वेलिंग, उसको क्या बोलते हैं, सीधा आंसर यही है। तो ऑप्शन है सिफेलो हेमाटोमा, ऑप्शन बी है कैपुट, ऑप्शन सी है हेमरेजिक एडिमा और ऑप्शन डी है पेरीनेटल कैपुट, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सिपेलो हेमाटोमा, अब सिपेलो हेमाटोमा के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो सिपेलो हेमाटोमा है, ठीक है, सिपेलो हेमाटोमा है, वो क्या होता है, ये जो सिपेलो हेमाटोमा ये कब होता है, प्रेजेंट एट फ्यू डेज लेटर, मतलब क्या होता है, जैसे कि ससीडेनम क्या होता है कि फ्लूइड फिल्डेड कैविटी होती है, ठीक है, फ्लूइड फिल्डेड कैविटी होती है कैपुट ससीडेनम, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और वो प्रॉपर स्वेलिंग होती है, ठीक है। अब सिपेला हेमाटोमा क्या होता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं सिपेला हेमाटोमा और इधर लिख दूं कैपुट ससीडेनम, ठीक है। अब जो सिपेला हेमाटोमा है, ठीक है, सिपेला हेमाटोमा क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट कब होता है, बर्थ के बाद में लेटर, बर्थ के बाद में प्रेजेंट होता है। और जो अपना कैपुट ससीडेनम है, ये बर्थ के साथ प्रेजेंट होता है, के साथ में प्रेजेंट, एट बर्थ प्रेजेंट होता है, कौन होता है, कैपुट ससीडेनम। उसके बाद दूसरा आ गया कि जो कैपुट ससीडेनम है, ठीक है, वो 48 घंटों के अंदर क्या होता है कि डिसअपेयर हो जाता है, मतलब ये हट जाता है 48 घंटों के अंदर, 48 घंटे आफ्टर ये डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल स्वेलिंग है, क्योंकि बच्चा क्या होता है जब उस पैल्वी से निकलता है तो उस वजह से क्या होती है कि स्वेलिंग आ जाती है, तो ये क्या नॉर्मल चीज है और ये 48 आवर्स के अंदर मतलब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब जो कैपुट ससीडेनम में इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और ये जो कैपुट ससीडेनम में है, ये क्या है कि जो एट बर्थ है, जो सिपेला हेमाटोमा है, वो क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका, कलेक्शन होता है ब्लड का, और किसके बीच में होता है, पेरिओस्टियम एंड स्कल के बीच में। अब जब पेरिओस्टियम और स्कल के बीच में जब अगर कलेक्शन होगा ब्लड का, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमेशा कभी ध्यान रखना जब पेरिओस्टियम और स्कल के बीच में अगर कलेक्शन होगा ब्लड का, तो वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो सिपेला हेमाटोमा जो है वो नेवर क्रॉस सुचर लाइन, ठीक है, ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, जबकि सिपेला कैपुट ससीडेनम है, ये क्या करेगा, लाइन को क्रॉस कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, लाइन को क्रॉस कर देगा। तो नर्स नॉट, अब इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नॉट, क्वेश्चन क्या है, नर्स नोट ए स्वेलिंग ऑन द नियोनेट स्काल्प दैट क्रॉस द सुचर लाइन, मतलब क्या कर रहा है, जो स्वेलिंग है वो क्या कर रही है, सुचर लाइन को क्रॉस कर रही है। व्हाट इज द असेसमेंट फाइंडिंग, तो इसका क्या है कि जब क्रॉस कर रही है तो इसका आंसर होगा कैपुस एसिडेरम, जो क्या होती है स्वेलिंग होती है जो क्रॉस करती है। आंसर क्या है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट की साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ऑफ बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है, जब बच्चा दूध पीता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो गलत है, बस ये ध्यान रखना है अपन को। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है नॉट की साइन, मतलब गलत है, ठीक है, अपन को गलत ढूंढना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या चीज होनी चाहिए नहीं होनी। मोर एरियोला इज विजिबल अबाउट, ठीक है, सही है ये बात, क्योंकि जब बच्चा अटैच होता है मदर के तो जो एरियोला है वो अबाउ की तरफ ज्यादा दिखे तो वो गुड अटैचमेंट है, ठीक है, अगर अबाउ की तरफ विजिबल होवे तो वो क्या है गुड अटैचमेंट है। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, तो ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है, क्योंकि जब भी अगर बेबी सक करता है तो बेबी का जो मुंह है, ठीक है, बेबी का जो माउथ है वो क्या होना चाहिए वाइड ओपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वाइड, मतलब बहुत बड़ा खुला होना चाहिए, ठीक है, वाइड ओपन होना चाहिए। उसके बाद अगला है ऑप्शन है बेबी चिन टचिंग द ब्रेस्ट, ठीक है, अगला ऑप्शन है सी। इसके अंदर क्या बेबी चिन टचिंग द ब्रेस्ट, तो यही बात भी सही है कि जो बेबी की जो चिन होती है, ठीक है, बेबी की जो चिन होती है वो हमेशा ब्रेस्ट के टच होनी चाहिए, हमेशा ब्रेस्ट के टच होनी चाहिए, ब्रेस्ट के टच होनी चाहिए। तो बेबी की चिन्ह है वो टच होनी चाहिए ब्रेस्ट के। उसके ऑप्शन डी कहता है कि बेबीज लोअर लेग इज टर्न्ड इनवर्ड, तो ये ध्यान रखना कि जब बेबी का जो लोअर लिप है, ठीक है, लोअर लिप जो होता है वो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन में इनवर्ड होता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि जो बेबी का लिप है वो हमेशा जब सकिंग करता है तो जो लोअर लिप है, ठीक है, लोअर लिप है वो क्या होना चाहिए आउटवर्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड लिखा हुआ है तो गुड आउटवर्ड होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च इन, जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो कब लॉन्च की गई, बस सीधा सी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, तो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी वो 1983 के अंदर लॉन्च की गई, ठीक है, फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो कब लॉन्च की गई 1983 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन विच एक्शन आर टेकन प्रियर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज, ठीक है, कहना चाहता है कि ऐसा लेवल ऐसा प्रिवेंशन का लेवल जिसके अंदर क्या होता है कि अपन किसी डिजीज को होने से पहले रोक, ठीक है, मतलब ऐसा प्रिवेंशन जिसके अंदर डिजीज को होने से पहले प्रिवेंट करना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कहलाता है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक व्यक्ति है, दो बालक है, ठीक है, दो बालक है, एक बालक ऐसा है जो स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है, और एक बालक ऐसा है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है। उसके बाद एक और बालक लेते हैं जिसको क्या स्मोकिंग की वजह से क्या हो चुकी है डिजीज कंडीशन, डिजीज हो चुकी है किसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। अब बात समझना, स्मोकिंग जो नहीं करता, ठीक है, उसकी बात अपन करते हैं सबसे पहले। जो बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा, ठीक है, अगर उसको जाके एजुकेशन देते हैं अपन कि स्मोकिंग गलत चीज है, स्मोकिंग से बीमारियां होती है और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम भी कभी करना मत, अभी नहीं कर रहे हो और पहले मत करना। तो ये लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन हो गया, ठीक है, जो स्मोकिंग नहीं करना उसको जाके आप प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है, ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये किसका है, ये है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ये आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। ये हो गया कौन सा, फर्स्ट वाला प्रीमोडियल, प्रीमोडियल के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर अपन आते हैं सेकंड बंदे के पास, इसके अगर ये स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग करेगा तो क्या होगा, रिस्क प्रेजेंट है कि इसको बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी बीमारी नहीं हुई है, ठीक है, मतलब कि क्या है कि इसको बीमारी नहीं हुई है लेकिन बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसको अपन ज्ञान देते हैं कि भाई जो जितनी भी आप स्मोकिंग करते हो ये छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो आपको बीमारी हो सकती है क्योंकि चांस है, ठीक है, अगर आगे अगर नहीं छोड़ी तो आगे जाके बीमारी होनी है, तो चांस है कि स्मोकिंग कर रहा है तो क्या होगा, डिजीज होने का चांस रहता है, रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, रिस्क प्रेजेंट है। तो रिस्क प्रेजेंट होने के साथ साथ अपन डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिजीज को क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये कौन सी में आएगा, ये आएगा प्राइमरी के अंदर कि रिस्क प्रेजेंट है पर अपन डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि अपन किसी बंदे को स्मोकिंग कर रहा है, उसको डिजीज हो गया, डायग्नोसिस हो गया उसके अंदर कि उसके सीओपीडी हो रखा है, ठीक है। तो डायग्नोसिस जब हो गया तो ये किस में आएगा, डायग्नोसिस जो हो चुका है ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर बोला है कि द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन विच एक्शन आर टेकन पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, मतलब ऐसा एक्शन लेना है अपन को कि डिजीज होने से पहले उसका प्रिवेंशन किया जा सके। तो ये जो 2 नंबर वाला आदमी है इसके साथ इसमें सही बैठ रहा है। तो 2 नंबर वाला जो आदमी है ये क्या किसमें था, प्राइमरी के अंदर था, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं बता पाया तो आप नर्सिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, इस लाइन में आपको आना ही नहीं चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसके अंदर आप बताएगा। जिसके अंदर जैसे कि 1 दिसंबर मैंने आपको बताया था कि एड्स दिवस मनाया जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड रिबन एक्सप्रेस इज रिलेटेड, ठीक है, रेड रिबन होता है जो लाल कलर का एक रिबन के रूप में एक रिबन दिखाया जाता है, ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है, रेड रिबन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है एड्स को, एड्स अवेयरनेस, ठीक है, जो एड्स से पीड़ित है उनके अवेयरनेस के लिए एक रेड रिबन चलाया गया जो कि ऐसा था, ठीक है, ऐसा करके कुछ था, ठीक है, ये था रेड रिबन। इसके अंदर क्या है, एड्स के जो अवेयरनेस होती है उसको फैलाने के लिए रेड रिबन एक साइन दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी आते हैं, येलो रिबन आता है, ठीक है, येलो रिबन क्या है कि नेशनल जो चाइल्ड जो अब्यूज होती है, ठीक है, चाइल्ड जो अब्यूज होती है, चाइल्ड अब्यूज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए येलो रिबन बताया गया था, ठीक है, अवेयरनेस येलो रिबन, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन के अवेयरनेस को बताने के लिए येलो रिबन का यूज में लिया गया था। और एक होता है ब्लू रिबन, जो ब्लू रिबन एक चीज ध्यान रखना कि जो येलो वाला है, ठीक है, ये हो गया सुसाइड प्रिवेंशन, सुसाइड होता है उसके प्रिवेंशन के अवेयरनेस को बताने के लिए येलो रिबन, और ब्लू रिबन जो होता है वो किसके लिए, चाइल्ड अब्यूज के प्रिवेंशन को बताने के लिए, चाइल्ड अवेयरनेस की जो अवेयरनेस होती है उसको बताने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर आंसर रेड रिबन का आंसर क्या हो गया, एड्स अवेयरनेस को बताने के लिए, इसका आंसर है बी। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, व्हेन वाज स्टार्टेड मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना इन राजस्थान। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है वो राजस्थान में कब लागू की गई और कब स्टार्ट की गई। तो इस ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के अंदर क्या होता है कि जिन बालिकाओं के, ठीक है, जिन लड़कियों के या फीमेल गर्ल्स जो गर्ल्स होती है उनके अगर परिवार के अंदर माँ या पिता में से अगर एक नहीं है पेरेंट्स में से, ठीक है, उनके लिए ये योजना लाई गई थी। और ये योजना उनको कुछ 1 से लेके 12वीं क्लास तक, ठीक है, 0 से लेके 6 और 1 से लेके 12वीं क्लास तक, ठीक है, जो वो क्लास स्कूल के अंदर पढ़ती है उस टाइम पे क्या है उनको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। ठीक है, प्रोत्साहन राशि दी जाती थी 1100 रुपए, ठीक है, 1100 रुपए दी जाती थी। तो वो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 0 से लेके 6 साल और 1 से लेके 12 साल तक इन लड़कियों के लिए थी जिनके पेरेंट्स नहीं है या एक से मतलब दोनों पेरेंट्स नहीं है या फिर एक पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए ये योजना लागू, ये जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है ये लाई गई थी। अब जो ये मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है ये राजस्थान के अंदर कब स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, ये कब हुई थी, 1 अप्रैल 2007। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बर्थ वेट ऑफ बेबी बिकम 888। ठीक है, अब बर्थ ऑफ बेबी और वेट, जब बेबी का वेट होता है, ठीक है, वो 888 कब हो जाता है, ठीक है, और 2 कब होता है। मेनली क्वेश्चन 2 और 888 पे आता है, तो ध्यान रखना कि जो बेबी का वेट है, ठीक है, वो 2 कब हो जाता है, 5 से लेके 6 मंथ पे। ठीक है, 5 से लेके 6 मंथ पे होते हैं, लेकिन अगर इस 5 से लेके 6 मंथ में भी अगर 1 महीना पूछा जाए तो वो होगा 5 मंथ। ठीक है, 5 मंथ पे। और जब 888 की बात आती है तो बेबी का वेट है वो 888 हो जाता है 12 मंथ। कब हो जाता है, 12 महीने पे या 12 मंथ पे या 1 साल। ठीक है, तो बर्थ बेबी और वेट बिकम 888, तो बेबी का बर्थ है, बेबी का वेट है वो 888 कब हो जाता है, 12 महीने पे हो जाता है। आंसर क्या है, सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एंटीरियर फॉन्टेनल क्लॉज एक्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि एंटीरियर जो फॉन्टेनल होता है आगे वाला, इसको ब्रेग्मा बोला जाता है, और जो पोस्टीरियर होता है उसको लैम्डा बोला जाता है। अब जो एंटीरियर फॉन्टेनल की बात आ गई, ठीक है, और मैं बता दूं जो 4 टाइम होता है बेबी का वेट, 4 गुना, ठीक है, वो कब होता है, 24 मंथ पे। 4 टाइम 24 मंथ पे होता है, याद रखना। ये एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रेग्मा कहा जाता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल को लैम्डा। वो 7 से लेके 18 महीने तक इसके बीच के अंदर क्या हो जाता है, ये क्लोज होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल है। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो कब से लेके कब तक, 1 से लेके 2 महीने में क्लोज हो जाता है। मतलब जन्म से लेके 1 से लेके 2 महीने के अंदर जो पीछे वाला फॉन्टेनल है, जिसको अपन ने नाम दिया है, अपन ने तो क्या नाम दिया, वो पहले से दिया हुआ है, तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल उसका नाम क्या है, लैम्डा है, जो कब तक बंद हो जाता है, 1 से लेके 2 महीने तक क्लोज आता है। और जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो कब तक क्लोज हो जाता है, 7 से लेके 18 मंथ तक। तो इसके अंदर मेनली जो आंसर दिया गया है ऑप्शन के अंदर वो 18 मंथ दिया गया, तो मेनली इसका आंसर जाएगा 18 मंथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन मैक्सिमम वैल्यू देंगे क्योंकि यहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 18 मंथ। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्कोरिंग मेथड विच इज यूज फॉर असेसिंग न्यू बॉर्न फिजियोलॉजिकल कंडीशन। किसी भी नए बच्चे की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसकी हार्ट बीट, ठीक है, उसकी रेस्पायरेशन, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए एक स्केल या एक मेथड यूज में लिया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अबगार स्कोर। अब अबगार स्कोर है, इसका जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ये अबगार स्कोर की डिस्कवरी की थी वर्जीनिया अबगार नाम से एक थी, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद अपन आते हैं पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है कि सर्वाइकल डायलेशन होता है, उसके सर्वाइकल डायलिस होता है उसका कंप्लीट असेसमेंट करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, अब पार्टोग्राफ जो है, ठीक है, जो पार्टोग्राफ है वो किस में काम आता है? सर्वाइकल जो असेसमेंट होता है या लेबर जो होती है उसके अंदर ये काम में ले आता है पार्टोग्राफ। सर्वाइकल जो असेसमेंट होता है उसके अंदर काम में आता है पार्टोग्राफ, मतलब जो लेबर चल रही है उसको असेसमेंट करने के लिए कि लेबर कितना चला है उस कंडीशन में काम में ले जाने वाला असेसमेंट टूल कौन सा होता है? पार्टोग्राफ होता है। और बच्चे की फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए कौन सा होता है? अबगार स्कोर होता है। उसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है ग्लासोकोमा स्केल। ग्लासोकोमा स्केल क्या होता है? किसी भी अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, उस अनकॉन्शियस पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जो काम में ली जाती है स्केल है उसका नाम क्या है? ग्लासोकोमा स्केल होती है। ग्लासोकोमा स्केल के अंदर तीन कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं जिसको ईवीएम बोलते हैं, आई रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, इन तीनों के अंदर ये तीन चीजें काम में ली जाती है ग्लासोकोमा स्केल में, जो कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट की असेसमेंट मेथड विज यूज फॉर द असेसिंग न्यूबॉर्न फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो इसके अंदर आंसर होगा इसका क्या होगा? अबगार स्कोर। ठीक है, आंसर बी जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। द ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है डिलीवरी के बाद पहले 1 से लेकर 3 दिन तक जो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है उस ब्रेस्ट मिल्क को सबसे क्या बोलते हैं? उस ब्रेस्ट मिल्क को जो कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल से भरपूर होता है, ठीक है, इसको एक अमृत के तुल्य माना जाता है, अमृत के तुल्य माना जाता है इस ब्रेस्ट मिल्क को। जैसे इसके अंदर मेलेना है, मेलेना फर्स्ट बेबी का स्टूल होता है। ठीक है, इसके अंदर अमृतुल्य माना जाता है। और इसके अंदर ऑप्शन डी के अंदर मैकोनियम लिखा हुआ है, जो बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है, ठीक है, उसको मैकोनियम बोला जाता है। ठीक है, और विनिंग के अंदर क्या होता है कि बच्चा जब 6 महीने से ऊपर होता है, ठीक है, जब कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चलती है, उसके बाद अगर बच्चा विनिंग करता है मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लेता है उसको बोलते हैं विनिंग। और इसके अंदर ऑप्शन सी है कि कोलोस्ट्रम, जो कोलोस्ट्रम होता है वही न्यूट्रिशनल एक मतलब ब्रेस्ट मिल्क होता है जो बच्चे को अमृतुल्य होता है। और ये फर्स्ट 3 डेज होती है वो कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क से सीक्रेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कोलोस्ट्रम हो गया इसका आंसर। आंसर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होती है। इसका आंसर बी है। ठीक है, बीसीजी क्या होती है कि एट बर्थ पे दी जाती है, अभी मैंने ऊपर बताया होगा 0.05 ml दी जाती है। और अगर वो भी 28 दिन तक अगर बच्चा हो तो उसके बाद अगर 1 साल तक बच्चा हो तो 0.1 मतलब डबल कर दी जाती है डोज। ठीक है, और आई एम मतलब इंट्राडर्मल लगती है। ठीक है, 0.1 ml डबल कर दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इन फॉलोइंग विच इज द कॉमनेस्ट सर्जिकल डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी के अंदर जो सर्जिकल डिसऑर्डर होता है स्टमक का उसके अंदर सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा होता है बच्चे के अंदर? इसके अंदर आता है हिचपंग डिजीज। हिचपंग जिसको एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां पे जो फ्लैक्सेस होते हैं उनके नर्व इंपल्स होती है वो वहां पे नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होती है जो अपनी इंटेस्टाइन होती है वहां के जो सेंसेशन होते हैं वहां के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बिल्कुल मतलब पैरालिसिस हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा होता है, जिसकी वजह से जो एरिया है वो क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेगाकोलोन बोला जाता है। ठीक है, या हिचपंग डिजीज बोला जाता है। उसका गैस्ट्रोएसोफेजियल डिफेक्ट्स जीआरडी क्या होता है? जीआरडी का जो इसोफेजियल जो अपना स्फिंक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? लूज होता है, जिसकी वजह से जो एचसीएल है वापस की तरफ रिफ्लेक्स होता है, उसको जीआरडी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इन फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर इन द स्टमक ड्यूरिंग इन्फेक्शन के अंदर होने वाले सबसे कॉमनेस्ट कौन सा है? वो होता है एचपीएस। कौन सा होता है एचपीएस? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टोनेज। जो पाइलोरस होता है पार्ट वो क्या होता है, पतला हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्टोनेसिस मतलब कि एक रुकावट आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टोनोसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, while neonate head is turned slowly from right to left, ठीक है, क्या होता है कि जब बच्चे का जो सिर होता है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं कि राइट से लेके लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट अगर ऐसे मतलब स्लोली टर्न करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि नॉर्मली आई डू नॉट मूव इट सो द प्रेजेंस ऑफ, जब क्या होता है जो आंखें हैं बच्चों की, ठीक है, जो नया नया बच्चा होता है तब उसकी अपन गर्दन को जब टेढ़ी करते हैं तो उसकी जो आंखें होती है वो टर्न नहीं होती, तो इस रिफ्लेक्स को क्या बोला जाता है, तो इस रिफ्लेक्स को बोला जाता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर आप उसकी गर्दन घुमा दोगे तो उसकी आंखें एक ही जगह रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। उसके बाद मोरो रिफ्लेक्स, जब बच्चे को अपन हल्का सी जैसे हाथ में हल्का सी ऊपर रखते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी अपने हाथ होते हैं वो उसको मतलब फ्लेक्शन कर लेता है हाथों को, ठीक है, उसको बोलते हैं मोर गैगिंग, जो गैग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जब भी कोई लाइट पड़ती है बच्चे की आंखों में तो वो आंखें ब्लिंक करता है, उसको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। और जो ये डॉल्स आई रिफ्लेक्स है, ठीक है, ठीक है, ये 3 से लेकर 4 महीने में डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है, और मोरो रिफ्लेक्स भी 3 से लेकर 4 महीने में डिसअपेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, एक सेकंड, इन फॉलोइंग विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस इन द नर्स वुड ऑब्जर्व इन 2 वीक ओल्ड इन्फेंट। इनमें से हाइड्रोसिफेलस का कौन सा सबसे पहले जो अर्लीस्ट साइन होता है वो कौन सा है? तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर क्या होता है, जो अपना सिर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग होती है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपना सिर है, ठीक है, हेड है, वो क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, हेड बल्जिंग हो जाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा साइन है जो अर्लीस्ट साइन है किसका, हाइड्रोसिफिलिस का, ऑब्जर्व इन 2 वीक ओल्ड इन्फेंट, जो 2 वीक का ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, एक्सेसिव क्राई ये इसका साइन नहीं है, सनकन हाई ये डिहाइड्रेशन का साइन है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट ये भी इसका साइन नहीं है, जबकि इंक्रीज हेड सर्कम, जब भी वो बल्जिंग होगी तो इसमें क्या होगा, हेड का जो सर्कमफ्रेंस है होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन, जो स्टेलाइज अपनी एंडोस्कोप होती है, ठीक है, एंडोस्कोप होती है, एंडोस्कोप एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, विजुलाइजेशन करने का काम देते हैं, ठीक है, उसको एंडोस्कोप हो जाता है। अब उस एंडोस्कोप को स्टेलाइज किस टेक्निक द्वारा किया जाता है या किस सॉल्यूशन से उसका स्टेलाइज किया जाता है, तो मेनली क्या होता है, एंडोस्कोप या जितने भी स्कोप होते हैं उनका स्टेलाइजेशन 2% ग्लूटार एल्डिहाइड से किया जाता है, ठीक है, 2% ग्लूटार एल्डिहाइड से किया जाता है। जबकि जो ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेविंग है, इसके अंदर क्या है, ऑटोक्लेव में जितने भी ग्लासवेयर हो गए, ठीक है, ग्लासवेयर, पिपेट, ठीक है, ब्यूरेट, इनका स्टेलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। 2% फिनॉल जो होती है अपने बेड साइड में, पेशेंट के बेड साइड में, मतलब कुछ भी स्टेलाइजेशन करने के लिए बेड साइड में पड़ी रहती है, ठीक है, उसके बाद बेड साइड में पड़ी रहती है कौन, 2% फिनॉल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन विच सेंटेंस इज फॉल्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाओ तो एक बार इस जो वीडियो है इसको रोक के इस वीडियो को पॉज करना और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तो मैं बताता हूँ रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, मतलब कोई भी अपन जो स्पेसिमेन है ठीक है उसका कलेक्शन कर रहे हैं ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो फाल्स हो, फाल्स मतलब गलत है। ऑप्शन अपन चलते हैं ए से। ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिमेन शुड बी सेंड टू द लेबोरेटरी एज अर्ली पॉसिबल। तो ये सबको पता है कि जो जितने भी स्पेसिमेन होते हैं ठीक है उनको एज अर्ली एज सेंड करना होता है, जबकि ये राइट चीज है, मतलब ये ट्रू है, फाल्स नहीं है। ऑप्शन बी आता है स्पेसिमेन शुड बी ऑफ ए क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब स्पेसिमेन अगर 10 ml का स्पेसिमेन मांगा जाता है तो वो इतना होना चाहिए, अगर उससे कम होता है ठीक है तो वो वहां पे जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर क्या फाल्स टेस्ट आने के चांस ज्यादा रहते हैं, या वो टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाता ठीक है, परफॉर्म नहीं हो पाता। तो जो सफिशिएंट अमाउंट में जो क्वांटिटी होती है स्पेसिमेन की वो होनी चाहिए, ये बात इसने लिखी है। तो ये आंसर भी सही है, जो ऑप्शन है ये भी सही है, अपन गलत नहीं मान सकते। ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन सी कहता है स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड वेयर द सस्पेक्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सी भी थोड़ा जच नहीं रहा ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं स्पेसिमेन शुड बी ऑब्टेन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एंटीबायोटिक होती है उससे आफ्टर नहीं बिफोर, जब भी एंटीबायोटिक होती है जो स्पेसिमेन लेता है वो दवाई लेने से पहले लेना चाहिए, दवाई लेने के बाद स्पेसिमेन क्या होता है फाल्स आता ठीक है, तो ये गलत है। जबकि ऑप्शन सी क्या कहता है स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड वेयर द सस्पेक्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड, ये लिखा हुआ है कि जहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता वहां से आप स्पेसिमेन ले लीजिए, तो ये भी गलत है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें लिखा हुआ है कि सस्पेक्ट ऑर्गेनिज्म है नॉट ऑर्गेनिज्म ठीक है, सस्पेक्ट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने सोचा हो कि यहाँ पे मान लो विडाल का आप टेस्ट कर रहे हो ठीक है, वहां पे वो ऑर्गेनिज्म ना होकर कहीं आप कहीं और से ले रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा कि फाल्स ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो फाल्स ऑर्गेनिज्म अगर आएगा तो उसमें क्या होगा, फाल्स ऑर्गेनिज्म क्या होगा कि फाल्स टेस्ट आएगा, फाल्स आएगा। तो ये ऑप्शन कहना चाहता है कि ऐसी जगह से आप स्पेसिमेन ना लीजिए जहां पे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म की वहां उपस्थिति हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की जहां पे उपस्थिति, जहां सस्पेक्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म हो तो वहां की वो नहीं करनी अपन को, वहां से स्पेसिमेन नहीं लेना। स्पेसिमेन नहीं लेना, तो ऑप्शन सी वो राइट कह रहा है कि ऐसी जगह से स्पेसिमेन ना ले जहां पे सस्पेक्ट ऑर्गेनिज्म हो, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं वहां से जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां से अगर कलेक्ट करेंगे तो फाल्स जो रिजल्ट है वो अब अपन को प्राप्त होगा, और अगर फाल्स रिजल्ट प्राप्त होगा तो ये स्पेसिमेन टेक्निक जो है वो गलत है कलेक्शन करने की। तो ऑप्शन डी है कि आप हमेशा कभी भी एंटीबायोटिक देने के बाद स्पेसिमेन नहीं लिया जाता, एंटीबायोटिक्स देने से या दवाएं जो मेडिसिन होती है वो दवाई देने से पहले स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन चेक देखते हैं। व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एंड 9 महीने पे जो विटामिन ए की डोज है वो कितनी जाती है, रेटिनॉल की डोज कितनी जाती है बच्चे के अंदर 1 लाख, और उसके बाद 2 लाख यूनिट हो जाती है, मतलब 9 मंथ पे तो 1 लाख होती है ठीक है, और बाकी बच्चे जो मंथ होते हैं उसके अंदर कितनी होगी, 2 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 लाख यूनिट, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। Okay, what is the web-enabled patient management system for TB control under the National Tuberculosis Elimination Program? मतलब कहना चाहता है कि वेब अनेबल्ड मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टीबी के पेशेंट के लिए कंप्यूटर आधारित सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है वेब अनेबल्ड है, जो क्या करता है ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। तो उस जो प्रोग्राम बनाया गया उसको क्या नाम दिया गया, वेब अनेबल्ड जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया उसको क्या नाम दिया गया, तो उसका नाम निक्स है। तो उसका नाम जो यहाँ ऑप्शन में निक्स है ये गलत है। निश्चय, निश्चय होता है एक प्रोग्राम लेकिन वो टीबी पेशेंट के लिए नहीं होता। उसके बाद निक्सु, निक्सु भी गलत है, तो निश्चय होता है नी प्लस शे, मतलब कि टीबी का शे करना, ठीक है, टीबी का शे करना। निश्चय नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया जो वेब अनेबल्ड है, ठीक है, और पेशेंट टीबी पेशेंट को मैनेजमेंट करने का सिस्टम होता है। अब निश्चय की बात आती है, जब निश्चय की बात आती है तो निश्चय में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए जो किट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी किट होते हैं, प्रेगनेंसी किट होते हैं, उनको निश्चय प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रामनाथ कोविंद जो पहले पूर्व अपने राष्ट्रपति थे, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है, ये पूर्व पास्ट में राष्ट्रपति थे, ये प्रेजेंट राष्ट्रपति है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो जगदीप धनखड़ है, जो जगदीप धनखड़ है ये कौन, जगदीप धनखड़ है, ठीक है, ये कौन, जगदीप धनखड़ है, वो कौन है अपने वाइस प्रेसिडेंट। वो कौन अपने वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है अभी, तो राजस्थान के गवर्नर जो जितने भी गवर्नर है ये पुराने गवर्नर है, जो कल्याण सिंह है प्रेजेंट गवर्नर है अभी, ठीक है। उनसे पहले कौन था, कालराज, उनसे पहले थे कालराज मिश्र, ठीक है। मार्गरेट आल्वा भी अपनी पहले रह चुकी है, गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी रिसेंटली कौन है, कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन है, ओटलानी साइन इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ओटलानी साइन होता है वो मेनली देखा जाता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के अंदर, ठीक है। अब ओटलानी साइन का मतलब क्या होता है, ओटलानी साइन का मतलब होता है, ठीक है, कि जब अपने पांव होते हैं, ठीक है, जब पांव का अपन एब्डक्शन कराते हैं, जैसे ये पांव है अपना और ये हिप है, ठीक है, जब पांव, ये पाँव हो गया, जिस पाँव को अपन यहाँ पे एब्डक्शन कराते हैं मिडलाइन से, ठीक है, मिडलाइन से एब्डक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है जो यहाँ पे जो हेड होता है, ठीक है, यहाँ पे हेड होता है फीमर का, वो क्या होता है कि जब अपन एब्डक्शन कराते हैं तो वो इस कैविटी के अंदर घुसता है, ठीक है। और जब अपन एब्डक्शन करा के इसको हल्का सी ऊपर की तरफ इसे धक्का लगाते हैं पाँव को, छोटे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, हल्का सी ऊपर की तरफ पाँव लगाते हैं तो वहां पे क्लिक का साउंड आता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है क्लिक का साउंड आता है, उसको क्या नाम देते हैं, ओटलानी साइन। उसके बाद एक दूसरा साइन होता है इसी के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप के अंदर, एक साउंड एक और साइन होता है जिसका नाम है बार्लो। तो ओटलानी और बार्लो के बारे में मैं बता दिया कि बार्लो क्या होता है, जबकि पांव को एब्डक्ट किया जाता है तो जो ओके, बात कर रहे थे ओटलाइन साइन इज सीन इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो ओटलाइन क्या होता है कि जब किसी पैर को, ठीक है, ये क्या होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप के अंदर काम आता है, जो हिप का ट्रंक जो हेड होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है पाँव को अपन स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, और जब पाँव को एबडेट कराते हैं तो यहाँ के जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो वहाँ का जो हेड होता है वो क्या होता है अंदर की तरफ घुसता है, उस एरिया के अंदर की तरफ घुसता है। जब उसके अंदर आगे की तरफ धक्का लगाते हैं तो वहाँ पे क्लिक साउंड आता है, उसको क्या बोलते हैं ओटलाइन साउंड बोलते हैं, ओटलाइन साइन बोलते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक और साइन आता है जिसको बार्लो साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार्लो साइन जिसको बोला जाता है। बार्लो साइन में क्या होता है कि जो आप पहले इसको जो एबडक्ट कराते हैं इसको एड कराओ मिडलाइन की तरफ, पाँव को एड कराएंगे तो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हेड ऑफ फीमर है ये क्या आएगा बाहर की तरफ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बार्लो साइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ओरल थ्रस्ट, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ओरल थ्रस्ट का नहीं है, ई कोलाई यूटीआई का है, ठीक है। तो मेन कॉमनली मतलब मेजरली क्या होता है कि जो ओरल थ्रस्ट होती है, ठीक है, जो ओरल थ्रस्ट होती है, ठीक है, जो ओरल थ्रस्ट होती है, ठीक है, ओरल थ्रस्ट का मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कैनेडा एल्बिगन्स। क्या होता है कैनेडा एल्बिगन्स, आंसर क्या है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ बेबी हैच, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी की है उसके अंदर, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है बेबी के, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सबसे बेस्ट आंसर और सबसे आसान आंसर है कि इसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, और जो वेन होती है एक वाली जो लेफ्ट वाली जो वेन होती है, ठीक है, वो ही ओनली बचती है, और राइट वाली क्या होती है डिसिपेट हो जाती है। कब तक? जब 4 मंथ ऑफ बेबी होता है तब तक, उससे पहले तो जब 4 मंथ का बेबी होता है उससे पहले तो 2 वेन 2 आर्टरी रहती है, लेकिन जब 4 मंथ के बाद का जो टाइम आता है उसके अंदर जो राइट वाली वेन होती है, ठीक है, राइट वेन क्या होती है डिसअपेयर हो जाती है, और जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट रहती है, लेफ्ट यानी लेफ्ट वाली लेफ्ट बचती है और राइट वाली डिसअपेयर। मतलब इसके अंदर आंसर क्या हो गया कि 2 आर्टरी और 1 वेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। आंसर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, What is characterized by episodic ingestion of large volume of food allowed by induced vomiting? ठीक है, जब क्या होता है, जब देखो 2 कंडीशन होती है, एक होती है बुलिमिया, नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, और एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो बुलिमिया नर्वोसा उसमें क्या होता है कि पहले वो खा लेता है, ठीक है, दबा के खा लेता है, ठीक है, उसके बाद में वो सोचता है कि यार मैं मोटा नहीं हो जाऊं, ठीक है, कि मैं मोटा नहीं हो जाऊं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। और फिर बाद में वो क्या करता है, मतलब क्या करता है कि उल्टियां करने की कोशिश करता है, उंगली डाल डाल खाने को वापस निकालता है, पहले खा लेता है फिर खाने को बाहर निकालता है वॉमिटिंग करके। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है कि वो खाना ही नहीं खाता, ठीक है, और ये जो सारी बीमारियां होती है ये भाई स्लिम एंड फिट दिखने के लिए ये किसमें देखी जाती है, ये औरतों में देखी जाती है, गर्ल्स में। जो गर्ल्स होती है उनके अंदर ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा मोटे हो गए तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये जो कंडीशन देखी जाती है गर्ल्स के अंदर देखी जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड इंजेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड followed by induced vomiting, मतलब पहले खा लेता है दबा के फिर उसके बाद क्या करता है वॉमिटिंग करता है। अब वॉमिटिंग कर रहा है तो उसके अंदर आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा पहले खा के वॉमिटिंग करने को कहेगा बुलिमिया, मतलब बिंज ईटिंग कर रहा है उसका तो बुलिमिया नर्वोसा रहेगा। बिंज ईटिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग का अर्थ क्या हो गया कि बिंज ईटिंग कर रहा है तो मतलब बहुत सारा खा रहा है। ओबेसिटी खाने से हो ही जाती है, ठीक है, तो लड़कियों में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 100 क्वेश्चन ऐसे तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है। बिटॉट स्पॉट सीन इन। अब जो बिटॉट स्पॉट होते हैं वो सीन होते हैं किन के अंदर? बिटॉट स्पॉट होते हैं। बिटॉट स्पॉट क्या होते हैं कि आंखों के अंदर जो आंख होता है उसके अंदर कुछ स्पॉट बनाते हैं व्हाइट, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं व्हाइट पेजेस लाइक, ठीक है, व्हाइट पेजेस लाइक बोल सकते हैं। व्हाइट पेज बन जाते हैं हल्के हल्के छोटे। तो बिटॉट स्पॉट होते हैं वो कौन सी चीज में देखने को मिलते हैं? बिटॉट स्पॉट विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। विटामिन ए होता है एथेनॉल, उसकी डेफिशिएंसी के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? बिटॉट स्पॉट। जिरोप्थैल्मिया, ठीक है, वो सारी चीजें किनमें देखने को मिलेगी? आंखों से रिलेटेड जो कंडीशन होती है जिरोप्थैल्मिया वगैरह, ये दिखेगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर टी 380 ए इफेक्टिव फॉर। तो कॉपर टी होती है 380, वो इफेक्टिव कब तक होती है? वो होती है 10 साल। और कॉपर टी 375 होती है, वो 5 साल तक होती है, ठीक है। तो कॉपर टी 380 कब तक होगी? 10 साल तक होगी, ठीक है। आंसर याद रखना ए। ये क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, बेबी रश्मि आ गई है। बेबी रश्मि 5 मंथ ओल्ड हैज डायरिया फॉर ऑलरेडी 16 डेज, ठीक है। बेबी रश्मि है जो, जिसको क्या हो रखा है, 5 मंथ ओल्ड है। तो बेबी रश्मि है वो कितने महीने की? 5 महीने की। और क्या हो रखा है उसको? डायरिया हो रखा है, और ऑलरेडी 16 दिन, 16 दिन से डायरिया हो रखा है। याद रखना इस चीज, 16 दिन से क्या हो रखा है? डायरिया हो रखा है। यू आल्सो नोटिस दैट द डिहाइड्रेशन इज, और उसको डिहाइड्रेशन भी प्रेजेंट है। दिस कुड बी क्लासिफाइड। याद रखना इसके अंदर देखो क्या होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन कब होता है? जब उसके अंदर 16 डेज से कम डायरिया, ठीक है, 8 से 9 दिन डायरिया, उसके बाद सम डिहाइड्रेशन प्रेजेंट, उसको बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। उसके बाद सम डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? सम डिहाइड्रेशन उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर 1 या 2 या 3 दिन से डायरिया चल रहा है, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं। और 2 या 3 दिन की ज्यादा अगर चलता है तो परसिस्टेंट डायरिया। लेकिन इसके अंदर 16 दिन से चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। बेबी रश्मि के अंदर 5 महीने की भी है और 16 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, प्लस डिहाइड्रेशन भी प्रेजेंट है साथ में। तो ये कंडीशन किसमें जाएगी? सीवियर तो है ही, सीवियर है, प्लस 16 दिन से चल रहा है तो परसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? परसिस्टेंट डायरिया। सीवियर और परसिस्टेंट डायरिया जो आंसर होगा इसका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसका जो उद्घाटन या लॉन्च है, लॉन्चिंग डेट है, वो कब, मतलब लॉन्च कब किया गया था उसको? फरवरी 2013 के अंदर उसको लॉन्च किया गया। याद रखना ये चीज, फरवरी 2013 के अंदर आरबीएस के लॉन्च किया गया। आरबीएस के अंदर क्या होता है? जितने भी लेके जो घर, मतलब जैसे 1 से लेके, मतलब 0 से लेके, ठीक है, मतलब 0 से लेके और जितने ही बच्चे आते हैं 12 तक पढ़ने वाले, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है, उनके लिए भी ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंदर उनके अंदर जो भी डेफिशिएंसी होती है नए नए बच्चे के अंदर, ठीक है, जो डिसेबिलिटी होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए चीज चलाई गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आरबीएस के प्रोग्राम हाउ मेनी होम विजिट डज आशा कैरी आउट इन केस ऑफ डिलीवरी। ओके, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए, पहले अपने मन में रखिए, इसका आंसर बताइए कि अंडर आरबीएस के प्रोग्राम, जब आरबीएस के प्रोग्राम के अंदर अगर बात की जाए, ठीक है, कोई बच्चा अगर आता है जिसको डेफिशिएंसी या कोई भी डिले या डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर जो आशा होती है वो, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हुई है तो उसके बाद आशा कितनी होम विजिट करेगी? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल होम विजिट होती है कितनी? 4, ठीक है, यह तो नॉर्मल होती है, और मैक्सिमम होती है 11 से लेके 13 अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। मैक्सिमम होते हैं 11 से 13 नॉर्मल, अगर नॉर्मल अगर चाहिए तो 4 होम विजिट होती है। लेकिन अगर आरबीएस के अंदर है, आरबीएस के अंदर है, तो होम विजिट कितनी होगी? होम विजिट होगी 6। होम विजिट कितनी होगी? होम विजिट होगी 6 होम विजिट होगी आरबीएस के अंदर। याद रखना इस चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DALY डेली स्टैंड्स फॉर। डेली क्या होती है? ठीक है, कि जो जितने भी डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं, ठीक है, अपंग या अपंग पर्सन होते हैं, उनके लिए मतलब एडजस्टमेंट लाइफ, मतलब जो डेली है वो एक चलाया गया, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए ये चीज चलाई गई है, ठीक है। तो उनकी लाइफ को कैसे एडजस्टमेंट किया जाए उसके लिए बताया गया है डेली के अंदर। तो DALY के अंदर फुल फॉर्म क्या होती है कि DALY की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसेबली एडजस्टेड लाइफ। मतलब एक साल के अंदर आप अपनी डिसेबली को कितना एडजस्ट कर पाते हैं वो इस DALY के अंदर शामिल आता है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया, सी, सॉरी इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 5 क्लिनिक कंटेन द फॉलोइंग सब्जेक्टिव एक्सेप्ट। अंडर 5 क्लिनिक होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं एक को छोड़ के, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है। पहले मैं समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए ये होता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर आने वाली चीजें, जिसके अंदर क्या होता है हेल्थ एजुकेशन होती है, ठीक है। और जो बीच का जो एरिया होता है इसको फैमिली प्लानिंग से दिखाया जाता है। और ये ट्राइंगल होता है, ये कैसा होता है, रेड रेड ट्राइंगल, जिसको फैमिली प्लानिंग से। इसके अंदर क्या है, प्रिवेंटिव ग्रोथ होती है, प्रिवेंटिंग ग्रोथ है। उसके बाद केयर ऑफ इलनेस, जो इलनेस होती है उसकी केयर की जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटर होता है, ठीक है। अब याद रखना ग्रोथ मॉनिटरिंग किस चीज से होती है, न्यूट्रिशन देना पड़ता है, ठीक। केयर ऑफ इलनेस होता है प्रिवेंटिव केयर, कोई भी चीज होती है उसकी प्रिवेंट करना किसी का, ठीक है। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। जब न्यूट्रिशन की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी, तो इसके अंदर ऑप्शन में है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन देना जरूरी है क्योंकि ये प्रिवेंटिव केयर है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव केयर में शामिल होता है इम्यूनाइजेशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन ये होती है ग्रोथ के अंदर शामिल, ठीक है। केयर ऑफ इलनेस, ये केयर ऑफ इलनेस डायरेक्ट केयर ऑफ इलनेस ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इलनेस की केयर करना बच्चे के लिए। तो प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्ट द चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है ये नहीं आता। इसके अंदर आती है एक चीज और, फैमिली प्लानिंग, जो क्या होता है रेड ट्राइंगल से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको डायरेक्ट याद रखना, आपको डायरेक्ट ये डायग्राम देखिए पूछ सकते हैं कि एक मतलब जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर जो बीच वाला एरिया उसको खाली छोड़ के बोल देते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TNI ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये होता है ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1908 के, ये याद रखना, ठीक है। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना और ये 1908 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव ब्रूडिंस्की एंड कर्निंग साइन आर द मैनिफेस्टेशन। पॉजिटिव ब्रूडिंस्की एंड कर्निंग साइन, ठीक है। ब्रूडिंस्की और कर्निंग, ब्रूडिंस्की के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जब आप पाँव को उठाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक थाई को मैंने 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया, ठीक है, उसके बाद जब अपने अगले वाला जो पाँव है उसको उठाया जाता है, तो जब फिर उसके बाद मैंने जब आगे से गर्दन मतलब सीधा लेटा के जब गर्दन को आगे तरफ झुकाया जाता है तो ये गर्दन का जो ये एरिया यहाँ का, यहाँ पे क्या होता है पेन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रूडिंस्की पेन होता है गर्दन के एरिया में, ब्रूडिंस्की बोलते हैं। कर्निंग साइन क्या होता है कि पाँव को आप उठाओ 90 डिग्री पे, उसका जो पाँव का जो ये है टकना, ठीक है, इसको हल्का सी नीचे करो तो यहाँ जो यहाँ पे जो कमर है, ठीक है, जो कमर होती है पाँव के जैसे हिप को 90 डिग्री और नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करने पे, ठीक है, जो कमर के अंदर दर्द होता है, ठीक है, बैक के अंदर दर्द होता है उसको बोलते हैं कर्निंग साइन। और ये मेनली किसके अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है मेनिंजाइटिस के अंदर। मेनिंजाइटिस जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कर्निंग साइन और ब्रूडिंस्की साइन देखा जाता है। मेनली याद रखना कर्निंग और ब्रूडिंस्की साइन होते हैं, ठीक है, किसमें देखा जाता है, मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVT के अंदर एक ह्यूमन साइन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि अपने जो पाँव होते हैं, ठीक है, एक लेग को अगर आप ऐसे उठा के 90 डिग्री उठा के जब ये पाँव वाला जो एरिया अगला का टकना, इसके अगर आप हल्का सी स्ट्रेच करोगे, ठीक है, आगे तरफ स्ट्रेच करोगे तो जो उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है नीचे वाली, ठीक है, काफ मसल्स होती है, सॉरी, जो काफ मसल्स है हैमस्ट्रिंग मसल्स के वहाँ पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पेन होता है जोरदार, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वो DVT पॉजिटिव ह्यूमन साइन उसको बोला जाता है। और वो किसमें देखने को मिलता है, DVT के अंदर देखने को मिलता है। पॉजिटिव ओमान साइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस शुड बी यूज्ड विद इन। जो फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड ओआरएस होता है उसको अपन कब तक यूज कर सकते हैं, याद रखना इस चीज का कि जो फ्रेशली प्रिपेयर होता है उसको 24 hours तक यूज कर सकते हैं। 245 इसकी एम मिली ओस्मोल, इसकी क्या होती है ओस्मोलैरिटी, 245 याद रखना, 245 की ओस्मोलैरिटी होती है किसकी, ओआरएस पैक। ओआरएस पैक को अपन यूज में ले सकते हैं, एक बार जब अपन पानी के अंदर घोल दिया उसको, ठीक है, घोलने के बाद उसको 24 घंटे तक यूज में ले सकते हैं। अगर 24 घंटे में यूज नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत यूज लेगा, अगर 24 घंटे हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। और उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसकी 245 होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज, जो कोलैप्सिंग पल्स है ये शायद अभी एमएनएस के अंदर भी पूछा गया था, रिलेटिव नर्सिंग वाला जो पेपर था उसके अंदर भी आया था कि कोलैप्सिंग पल्स किसको बोलाता है। जो कोलैप्सिंग पल्स है उसके अंदर बोला जाता है वाटर हैमर पल्स को। वाटर हैमर जो पल्स होती है, ठीक है, इसके अंदर वाटर हैमर पल्स के अंदर रैपिड होती है, रैपिड पल्स आती है और अपस्टॉकिंग, मतलब रैपिड और एकदम से ऊपर की तरफ आए, मतलब बहुत स्पीड में चलेगी एकदम से, मतलब रैपिड आएगी और एकदम से मतलब ऊपर की तरफ, जैसे ये चल रही है पल्स, उसके बाद एकदम से आई, फिर भी चल रही है, फिर एकदम से आई, ऐसी पल्स चलती है। ठीक है, अब ये ज्यादातर देखा किसमें जाता है, ठीक है, आरोटिक रीगर्जिटेशन, जो आरोटिक रीगर्जिटेशन और पीडीए पैटर्न, पीडीए के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये वाटर हैमर पल्स देखने को मिलती है। अब जो बाउंडिंग पल्स है उसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल रैपिड रिदम, जो एब्नॉर्मल होती है रैपिड रिदम देखने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके, एडिमा पेन एंड कूलनेस एट द आईवी साइट सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। ठीक है, आईवी थेरेपी के जब अपन आईवी लगाते हैं, कैनोला लगाया, ठीक है, ये यहाँ पे कैनोला लगा है, इस एरिया के अंदर क्या हुआ, कूलनेस हो रही है, ठंडा लग रहा है, पेन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। अगर ये सारी कंडीशन जैसे कूलनेस, पेन और एडिमा, इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, वार्मनेस, पेन, एडिमा प्लस रेडनेस, रेडनेस इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बोला जाता है। तो याद रखना कि इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि कलेक्टिंग, मतलब एडिमा होता है, ठीक है, कूलनेस होती है, कूलनेस सबसे मेन इसका फीचर है, पेन होता है, एडिमा होता है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर ये कंडीशन दिखाई देती है तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट होता है कि उस जो चीज लगी हुई है, आईवी साइट लगा था, उसको हमें पहले सबसे पहले स्टॉप जाके स्टॉप करना है उसको, ठीक है, उसको रोक देना वहीं पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, एकाइनेसिया, मोनोटोनस स्पीच, सफलिंग गेट एंड मार्क्स लाइक दिस आर द क्लासिकल सिम्टम ऑफ। सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन है, सभी को आएगा, मुझे जहां तक पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एकाइनेसिया होता है, मोनोटोनस स्पीच होती है, ठीक है, सफलिंग गेट होती है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर सारी चीजें पाई जाती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर सारी चीजें पाई जाती है। तो मैं बता दूं आपको, मास्टिनिया ग्रेविस क्या होता है कि जितने भी अपनी रैपिड वॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है, रैपिड जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, वीकनेस आती है, ठीक है, जितने अपनी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर वीकनेस आती है, वॉलेंट्री मसल्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, मास्टिनिया ग्रेविस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या होती है जी, माइसिनिया ग्रेविस क्या था, एंटीबॉडी जो होती है वो अगेंस्ट हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद और किसके अंदर ये चीजें जो माइसिनिया ग्रेविस है, इसका अर्थ क्या हो गया है कि माइसिनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो अपने जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वहाँ पे क्या एंटीबॉडी बन जाती है और वहाँ पे जो एक्सचेंज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है जो वॉलेंट्री मसल होते हैं वो वीकनेस हो जाती है, ठीक है, उनका काम करना वो बंद कर देती है। उसके बाद आता है कि गुलियन, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है गुलियन बर्ड सिंड्रोम के अंदर जैसे टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि हाइपरकोर्टिसोलिज्म होता है, हाइपरकोर्टिसोलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है हाइपरकोर्टिसोलिज्म में क्या होता है लॉन्ग टर्म ये कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से अगर कोई बंदा, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सेवन कर रहा है तो उसको ये कुशिंग सिंड्रोम होने के चांस रहता है। उसके बाद जो रिजिडिटी, ट्रेमर्स है, काइनेसिया, मोटर स्पीड सफरिंग, गेट एंड मार्क्स लाइक क्लासिकल सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे इसके अंदर उसको अंदर ट्रेमर्स आएंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर्स। कभी कभी देखा होगा जब बूढ़े लोग जैसे ऐसे करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, उनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। रिजिडिटी उनकी बॉडी के अंदर, एकाइनेसिया होता है, ठीक है, मतलब एक जगह बैठा नहीं जाता, हाँ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मोटर स्पीड बोलने में थोड़ी सी हल्की, सफलिंग गेट हल्के हल्के छोटे छोटे कदम के हिसाब से चलेंगे। उनका जो फेस देखोगे उसमें ऐसा लगेगा जैसे मास्क लगाया हो, ठीक है। तो इसकी एक मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर ये होता है, जैसे जो पार्किंसन डिजीज उसके अंदर क्या होता है कि मास्क लाइक फेस होता है, और हल्का सी टिल्ट आगे की तरफ टिल्ट होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग आर्म स्विंग, जो आर्म स्विंग है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो हैंड ट्रेमर है वो फटाफट ऐसे से होता रहता है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैक्स हिप एंड नी हो जाता है, हल्के से फ्लैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो सफरिंग गेट छोटे छोटे स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद ट्रेमर होती है, लेग के अंदर हल्के हल्के पैर भी धूसते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में लोगों को देखा होगा। फ्लैक्स एल्बो, हल्का सी एल्बो फ्लैक्स होता है। और रिजिडिटी होती है बैक के अंदर, बैक जो कमर दर्द होता है वो, ठीक है। और स्टॉप पोस्चर, जो पोस्चर है वो हल्का सी आगे तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है। यह कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? सारी कंडीशन देखने को मिलती है किसमें? पार्किंसंस वाले डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया हो रखा है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो क्यूनिन, आर्टेमेथर, प्रेमिक्यूइन और क्लोरोक्वीन। तो वैसे तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? वैसी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन, ठीक है। बट इफ प्रेगनेंसी अगर इस क्लोरोक्वीन को रेसिस्टेंट हो जाए तब ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? रेसिस्टेंट प्रेगनेंसी के अंदर क्लोरोक्वीन की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्यूनिन। याद रखना कौन सी ड्रग होती है? क्यूनिन। अगर क्लोरोक्वीन रेसिस्टेंट हो जाए तब उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? क्यूनिन उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। वरना अगर क्यूनिन, अगर मान लो क्लोरोक्वीन नहीं है रेसिस्टेंट, तो मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होगी? क्लोरोक्वीन होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ आईवी कैनुला यूज फॉर नियोनेट। नियोनेट के लिए, बच्चों के लिए साइज कौन सा है कैनुला का अपन यूज में लेते हैं? साइज ऑफ कैनुला जैसे 22 नंबर, मान लो 22 नंबर आता है, 22 नंबर ब्लू जो एडल्ट के लिए काम में आता है, जैसे अपने जैसे लोगों के, ठीक है, 22 नंबर आता है। और 28 नंबर आपको कैनुला नहीं होता, मैंने कभी सुना नहीं है, ठीक है। उसका 20 नंबर होता है, ठीक है। 20 नंबर जो 20 नंबर कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है, जिसके अंदर थोड़ा लार्ज फ्लूइड डालने के लिए काम रहता है। और 24 नंबर का जो कैनुला होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का फ्लूइड में काम आता है। ये ज्यादातर बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट वगैरह इनके अंदर काम में दिया था। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी है, और ठीक है, आंसर कौन सा है? सी है, येलो कलर का कैनुला काम में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। To avoid pulling the urinary catheter, nurse should tap the catheter on patient. जब कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा जो कैथेटर का जो साइट है, वो जो कैथेटर मतलब अटैच है यूरोबैग से, वो खींचे जाए नहीं, मतलब पुलिंग ना हो उसकी। तो उस टाइम पे अगर ऐसे, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो जो कैथेटर है उसको अपन कहाँ पे टैप करेंगे, मतलब कहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर होता है मेनली क्या होता है? अपर थाई पे चिपकाएंगे। कहाँ पे चिपकाएंगे? अपर थाई, ठीक है। अगर मान लो अपर थाई पे आपने चिपका दिया, लेकिन अगर लेग के अंदर फ्रैक्चर है, ठीक है, थाई के अंदर अगर फ्रैक्चर है, लेग के अंदर अगर फ्रैक्चर है, तो उसको कहाँ पे चिपकाएंगे, कहाँ पे टेप करेंगे उसको, वो करेंगे लोअर एब्डोमेन में। भाई ये क्वेश्चन तो आपको सुना होगा कि ठीक है अपर थाई में कर देंगे, लेकिन अगर लेग के अंदर फ्रैक्चर हो रखा है तो वो कहाँ पे अपन टैप करेंगे, उसके बाद में लोअर एब्डोमेन के अंदर इसको टैप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल टाइम फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर। क्लेफ्ट लिप, देखो मेरी बात सुनो, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, लिप और सॉरी क्लेफ्ट पैलेट और लिप के लिए, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के लिए कुछ टाइमिंग होती है जिसके अंदर आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप के लिए क्या होती है, 3 से लेके 6 महीने तक आप रिपेयरिंग कर सकते हो बच्चे की क्लेफ्ट लिप की। तो बच्चे की क्लेफ्ट पैलेट के लिए रिपेयरिंग के लिखते हैं, और जो क्लेफ्ट लिप है उसके लिए 3 से 6 महीने, ठीक है। और जो क्लेफ्ट लिप है उसकी सर्जरी का नाम क्या होता है, चीलियोप्लास्टी, चीलियोप्लास्टी। और जो क्लेफ्ट पैलेट है इसके लिए पैलेटोप्लास्टी, चीलियोप्लास्टी और पैलेटोप्लास्टी। तो उसके बाद अगर इसके अंदर देखते हैं कि लिप के अंदर अगर कुछ हो, लिप के अंदर क्लेफ्ट लिप है तो उसका क्लेफ्ट लिप है तो उसका क्या हो गया कि वह रिपेयरिंग जो सर्जरी होती है वो कब करेंगे, बिटवीन 3 मंथ एंड 6 मंथ, मतलब इन दोनों के बीच में। सही है, ये जो आंसर ए है इसके अंदर सही है कि 3 से लेकर 6 महीने के बीच में उसको कर देना है, क्योंकि अगर 6 महीने से अगर लेट हुआ तो वो थोड़ा मुश्किल में आ सकती है वो चीजें, ठीक है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जय कुमार क्या कह रहे हैं, मिस्टर जय कुमार कह रहे हैं, ओके, मिस्टर जय कुमार 38 साल के एक बंदे हैं, मिस्टर जय कुमार ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर। उनको क्या हुआ है, गैस्ट्रिक, मेनली क्या हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है एंड हैड अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, क्या कर दिया उसको, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, मतलब आधे गैस्ट्रो को निकाल दिया, ठीक है, पार्शियल कर दिया। द कॉम्प्लिकेशन में भी अराइज इन मिस्टर जय कुमार, मतलब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हुई, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या, मेनली आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेशन तो आप कर दोगे, उसका कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, डंपिंग सिंड्रोम होता है कि अर्ली इंपेटिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। अब अर्ली इंपेटिंग हो रही है तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ही कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है, अब आफ्टर सर्जरी के बाद, ठीक है, अर्ली इंपेटिंग होगी तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, जैसे पेशेंट को क्या करेंगे, खाने के लिए, खाने के बाद जैसे खाना खाया उसने, ठीक है, खाने के बाद उसको बोल देंगे लेट जाओ, ठीक है, उसको सुपाइन लेटा देना है, तो भी 1 से लेकर 3 घंटे के तक सुपाइन लेटा देना, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि रैपिड जो इंपेटिंग हो रही है वो बच जाएगी, उसको सेमी फाउलर, फाउलर कोई भी पोजीशन नहीं दे, उसको सुपाइन लेटा देना, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट की जो डाइट होती है, पेशेंट की डाइट होती है उसके अंदर अपन को क्या डालना है, ऐसी चीज जो फटाफट से एब्जॉर्ब ना हो, फटाफट से डाइजेस्ट ना हो, जैसे कि लाइक जैसे डाइट के अंदर अपन क्या देंगे, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई फैट, जो क्या करेगी अंदर पड़ी रहेगी तो काम चलता रहेगा, और सुपाइन लेटा दो काम का चलता रहेगा। लेकिन अगर गलती से आपने कार्बोहाइड्रेट डाल दिया तो फटाफट वो डाइजेस्ट हो जाएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो मेनली जय कुमार के क्या हुआ है कि गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, जिसकी वजह से उनको क्या हो चुका है, डंपिंग सिंड्रोम है, मतलब अर्ली एम्प्टी हो रही है स्टमक की, तो उनको क्या है कि खाने के बाद उनको क्या करना है, सीधा सुला देना है 1 से 3 घंटे तक। उसके बाद उनके खाने के अंदर मेनली क्या देना है, उनको हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट उनको प्रोवाइड करवानी। अब डंपिंग सिंड्रोम अगर किसी को हो रखा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है, अगर ये कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी हो तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, साइनोकाबालमाइन जिसका नाम होता है। तो विटामिन B12 है, इसकी डेफिशिएंसी को रोक, मतलब इसकी डेफिशिएंसी या विटामिन की एब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, विटामिन बी विटामिन 12 की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसको मतलब चेक करने का तरीका कि अंदर भाई बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, चिलिंग टेस्ट किया जाता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, चिलिंग टेस्ट किया जाता है। तो ये समझ गए मिस्टर जय कुमार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। Which of the following nursing measure would be most appropriate in the care of patient who has acute epistaxis? मतलब किसी का acute epistaxis मतलब नाक बह रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो उस टाइम आप नर्सिंग, एक नर्स होने के नाते आपका काम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। ऑप्शन है प्लस वार्म कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट नेजल बेस। गलत बात है, कभी भी अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी पर्सन को तो वार्म कंप्रेशन कभी नहीं जाता, क्योंकि ब्लड वेसल मतलब डायलेट हो जाएगी, खून ज्यादा बहेगा, ठीक है। तो वार्म कंप्रेशन नहीं देना, वहां पे देना है कोल्ड कंप्रेशन। अगर कोल्ड कंप्रेशन है, क्योंकि जो ब्लड वेसल से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर कोल्ड कंप्रेशन से, ठीक है। उसके बाद पिंच द नोज एंड एंड है, सॉरी ये यहाँ पे ए एनफ नहीं है, यहाँ पे एंड है, ठीक है। एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, ओके ये क्वेश्चन आप, ये आंसर सही लगा। टिल द पेशेंट, टिल्ट नहीं करना, ये तो गलत बात है। द पेशेंट पहले हेड लेग बिटवीन हिज लेग, तो मतलब पेशेंट के जो दोनों पाँव है उसके बीच में उसको माथा डाल दो, ये गलत बात है, ठीक है। तो पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, ठीक है। उसका नोज को क्या करना है? पिंच करना, पकड़ देना है ऐसे, ठीक है। और वो भी कब तक? 10 मिनट तक, 10 मिनट तक पकड़े रखो और इसको लीन फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। आगे तरफ ऐसे कर दो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपने जैसे अपन देखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जैसे खून आता है अपन वैसे कर देते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चांस होता है एस्पायरेशन, तो वो नहीं करना चाहिए। आगे की तरफ करना चाहिए, लीन फॉरवर्ड करना चाहिए और नाक को पिंच कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेशर मैकेनिज्म लगेगी तो ब्लड रुकने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अपन चलते हैं अगला, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेंट इन विच पेशेंट फास्टली बिलीव दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज बिलीव इन दैट ही इज द किंग, ओके दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नॉट, मतलब बोल रहा है कि एक पर्सन है, उसको ऐसा फील होता है, उसको गलत फील होता है, उसको बिलीव होता है खुद पे, गलत बिलीव कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ही इज बिलीव दैट ही इज द किंग, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नॉन। अगर ये कंडीशन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर हो, ठीक है, कि वो सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ठीक है, तो उनके लिए ये फाल्सली नहीं है, ना उनके लिए वो डिल्यूजन वगैरह कुछ है, मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, वो करेक्ट है। लेकिन अगर कोई अपने जैसा बंदा जो बेचारा नर्सिंग ऑफिसर की दौड़ में लगा हुआ है, CHO की दौड़ में लगा हुआ, अगर वो ये चीजें सोचे कि उसको बिलीव हो फाल्सली कि दैट ही इज प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो किंग है, तो ये डिसऑर्डर किस में आता है? ये डिसऑर्डर आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ठीक है। हम ब्रह्मास्मि जिसको बोला है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो वो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के अंदर आता है। जो मेनिया का पेशेंट होता है, ये कंडीशन उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट के अंदर क्या होता है? ये गिल्ट नहीं है, यहाँ पे गिल्ट है, ठीक है। गिल्ट के अंदर क्या होता है कि पड़ोसी की बीवी भाग गई, ठीक है, याद रखना, पड़ोसी की बीवी भाग गई, तो जो पर्सन है पड़ोसी दूसरा, वो गिल्ट करेगा कि मेरी वजह से भागी है, चाहे उसने कुछ किया ही नहीं हो, ठीक है। तो उसको गिल्ट होगा कि यार मैंने कुछ गलत काम किया हो, या मैंने कुछ गलत किया हो उसकी वजह से भागी हो। अगर गलत किया तब तो गलत बात है, अगर कुछ भी नहीं किया हो फिर भागी और फिर वो गिल्ट कर रहा है, तो वो क्या आता है? डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि आप घर पे गए, आपकी बीवी क्या कर रही है, सब्जी काट रही है, आप उसके हाथ में चाकू है, और आपने देखते उसको अपने अंदर एक दिमाग में आया, आपको आया कि आपकी बीवी आपको मारना चाहती है, तो वो क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। निहिलिस्टिक डेल्यूजन क्या होता है? वो बंदा, ऐसा बंदा निहिलिस्टिक के अंदर कि वो मानता ही नहीं है कि दुनिया कुछ नहीं है, ठीक है, दुनिया कुछ नहीं है, ये तो सब खेल है, कुछ दिनों में खत्म हो जानी है, ठीक है, वो मतलब नकार देता है हर चीज को, ठीक है, उसको बोलते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ग्रैंडिसिटी इसको बोलते हैं, सी आंसर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी इन विच द पेशेंट टॉक अबाउट दोस इवेंट विच नेवर टुक प्लेस, विच इज प्रॉमिस, ओके। तो एग्जांपल से समझिए, ये साइकोलॉजी है। होता क्या है कि आपका जो फ्रेंड है वो गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, ठीक है, जब वो वापस आता है, ठीक है, आपको बता के नहीं जाता वो, ठीक है, कहाँ गया वो? गर्लफ्रेंड से। जब वो वापस आता है तो आपको बताता नहीं है कि मैं गर्लफ्रेंड के पास गया हूँ, तब आप उसे पूछते हो कि तुम कहाँ गए थे, तो फिर वो क्या करता है कि वो झूठी झूठी बातें बताते हैं, हुआ कुछ और था, ठीक है, वो बताता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ गया था, यहाँ घूम के आया, अकेला था, एक दोस्त था, मतलब कोई चीज सच नहीं है, ठीक है, कोई स्टोरी जो है वो सच नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस चीज को, उसके बीच में गर्लफ्रेंड को हटा दे रहा है और बीच में क्या कर रहा है, बीच में कोई दूसरी स्टोरी जोड़ रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं? कन्फेबुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फेबुलेशन। हाइपर एमनेशिया क्या होता है, हाइपर एमनेशिया के अंदर क्या होता है, जो मेमोरी होती है, रिकॉल करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जितने भी पास्ट जो इवेंट हुए थे वो सारे के सारे मतलब जादुई शक्ति हो जाती है, ठीक है। एमनेशिया का अर्थ, और पैरा एमनेशिया के अंदर क्या होता है, पैरा एमनेशिया अनेबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब कोई क्या होता है कि जैसे रियलिटी और जो बनावटी दुनिया है और जो रियल है उसके अंदर वो क्या मतलब वो डिफरेंट करना भूल जाता है, क्या सच है क्या गलत है, ठीक है, उसका बोलता है पैरा एमनेशिया, ठीक है। इसका अंदर आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है कन्फेबुलेशन, आंसर बी इज अ राइट आंसर। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर ए ऑफ सिजोफ्रेनिया, फोर ए कौन से होता है सिजोफ्रेनिया। अब जो फोर है वो किसने दिए थे, यूगियन भाई ने दिए थे, यूगियन ब्लूलर होता है, यूगियन ब्लूलर होता है, उन्होंने क्या दिए थे, फोर ए साइन दिए थे। अभी किसके दिए थे, सिजोफ्रेनिया, मतलब ये क्या होते हैं, ये फंडामेंटल साइन है कि अगर जिसको सिजोफ्रेनिया है उनको ये होने और अगर ये है जिनके है उनको सिजोफ्रेनिया है, ठीक है। तो फोर ए के अंदर कौन कौन से आते हैं, उनके अंदर आते हैं जिसके अंदर ऑटिज्म आता है, एम्बिवेलेंस आता है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस आता है और एसोसिएशन लूजनेस या एसोसिएशन डिस्टर्बेंस आता है। तो इसके अंदर अब 4A के अंदर देख लो आप कौन कौन से ऑप्शन के अंदर एमनेशिया गलत है, ये ऑप्शन है कि गलत है, पहला ही गलत है ऑप्शन, एमनेशिया गलत है। एंजाइटी कभी होती नहीं, एंजाइटी नॉर्मल पर्सन भी होती है, तो वो अपन ऐसा नहीं मान सकते उसको कि भाई ये सिजोफ्रेनिक पेशेंट है। एंजाइटी, एंजाइटी इसके अंदर भी आ गया, नीचे वाले में भी एंजाइटी आया हुआ है, ठीक है, एंजाइटी इसके अंदर भी, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, आंसर क्या है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है कि जैसे अपन ये वीडियो बनाते हैं ना, क्लास बनाते हैं, तो अगर लाइव क्लास हो तो उसके अंदर इंटरेक्शन करने का मजा अलग आता है, और अगर अपन ऐसे ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना मजा नहीं आता। उनके अंदर यही होता है कि आप पढ़ाए जाओ, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हैपलेसनेस, मतलब मैं होप नहीं करना किसी से, वर्थ मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं करता, ठीक है, मेरे लिए कोई सोचता ही नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बेकार हूँ, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है दुनिया में, मैं किसी के लिए मतलब कुछ, कोई मेरे काम के लिए ना, मैं किसी के काम का हूँ, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ये कंडीशन देखने को मिलती है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, और जो डिप्रेसिव अटैक है इसके अंदर ये चीजें सारी देखने को, इसको डिप्रेसिव अटैक बोल सकते हैं या सीवियर डिप्रेशन बोल सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन या डिप्रेसिव अटैक बोल सकते हैं। और हेल्पलेसनेस और हेल्पलेसनेस ये चीजें उनकी में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भाई आज तो है ना अच्छी हो गई। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड ऑफ द ह्यूमन अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नियम। मास्लो हायरार्की क्या कहता है कि हाईएस्ट नीड, जैसे ये मान लो मास्लो का भाई का, ये अपना मास्लो ने ऐसे दिया था, ठीक है, उसके बाद इसने 3-4 खंड बनाया था, पता नहीं क्या बनाया था राम ने, तो यहाँ पे उसने रखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे रखा था प्रायोरिटी वाली जैसे ऑक्सीजन वगैरह, सेक्स, ऑक्सीजन, फूड वगैरह, फिजियोलॉजिकल नीड, यहाँ पे स्टीम, सेल्फ स्टीम, यहाँ पे प्राइवेसी, ठीक है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड हो। अब हाईएस्ट लेवल कौन सी नीड होगी, हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, और सबसे प्रायोरिटी वाली नीड होती है वो होती है ऑक्सीजन, फूड, सेक्स एंड थ्रस्ट, ठीक है। याद रखना हाईएस्ट और प्रायोरिटी के अंदर फर्क है। हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड कौन सी होती है, ऑक्सीजन, फूड और सेक्स, थ्रस्ट, और हाईएस्ट लेवल की नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड कौन सी होती है, ऑक्सीजन, फूड, सेक्स एंड थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका आंसर है डी, ठीक है, हाईएस्ट लेवल पूछा ना इसलिए। अगला क्वेश्चन, ओके, तो आज मैंने समथिंग 100 क्वेश्चन की क्लास ली है, और ये जल्दी अभी अपलोड की जाएगी, और मैं सभी से यहाँ पे ये जो है ना ये गलत हो रखा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या टाइपिंग के अंदर कभी हो जाता है। तो आज जो ये क्लास ली है, ठीक है, ये मैं सारे जितने भी अपने नर्सिंग वाले हैं, जितने भी CHO वाले जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और ये जितने भी जो अभी क्वेश्चन कराए हैं, ये मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर मतलब ये क्वेश्चन तो आते हैं उनके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका जो नर्सिंग सक्सेस का जो चैनल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, नर्सिंग सक्सेस का जो चैनल है, उसको आप जितने भी जने आपके दोस्त वगैरह, ठीक है, आपके फ्रेंड वगैरह जितने भी है, मतलब ओनली नर्सिंग वाले, ठीक है, ऐसा नहीं अदर कोई भेज दो, पटवारी बना दो, ठीक है, तो अदर वालों को आप सेंड करिए लिंक और उनसे करवाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए अपने वीडियो को। और अगर कोई हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ के, ठीक है, कोई बुक चाहिए एनक्लेक्स वगैरह CHE कोई भी, ठीक है, PDF के अंदर, ऐसा नहीं मैं हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, PDF के अंदर आपको जो भी बुक चाहिए एनक्लेक्स से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी हेल्प चाहिए वो सारी, बस आप अपने भाई का सपोर्ट करिए, आप हम आपका सपोर्ट करेंगे। और मैं तो एवरीवन, जैसे मेरा ग्रुप है, आप नर्सिंग सक्सेस के अंदर आप ग्रुप के अंदर अगर एड हो, ठीक है, और आपने अगर कॉल कर दिया तो मैं आपका कॉल जरूर अटेंड करूंगा, ऐसा नहीं है कि आपका कॉल अटेंड नहीं कराए। और अगर कोई हेल्प होगी तो हम जरूर करेंगे, हमारे लाइक होगी तो आप ग्रुप को, इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो ग्रुप का है लिंक वो मैं डाल दूंगा, आप उससे ऐड हो सकते हैं मेरे से, ठीक है। और वहाँ पे मैं क्वेश्चन सेशन चलाता रहता हूँ कुछ दिनों, हर एक दो दिन में, तो वहाँ से जुड़े। और CHO की वैकेंसी आने वाली, मतलब 3 तारीख को एग्जाम है उसका, और स्टाफ नर्स का भी बोला है 3 तारीख को। अब 3 मार्च को तो वो होता है नहीं होता, वो तो ठीक है, वो आगे की बातें होगा नहीं होगा, लेकिन अपन को तैयारी करने का काम है, तो आप तैयारी करिए। और जो चैनल को मैंने बोला है सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करिएगा, अपने जितने भी दोस्त है शेयर करिए चैनल को, ठीक है, लाइक करवाइए, ठीक है, और जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब जरूर करवाइए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए। और उसके बाद एक और क्लास में लेके आऊंगा। अब सोचो जब इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हटा के अगर 100 क्वेश्चन और क्लास लेके आऊंगा, तो मान लीजिए कि आपके सारे सिलेबस जितने भी है ना CHO के अंदर आने वाला कुछ भी नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस इससे आराम से अच्छे से देखिए इस क्लास को, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज ये जो क्लास है, आज यहाँ तक अपन विराम देते हैं, कुछ दिनों में वापस एक और क्लास अपलोड की जाएगी आपके लिए। तो आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद।